नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वघेला फिर से आपके साथ हूँ। दोस्तों, आज हम लोग मिले हैं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ, और जो है नासिक से, और जिनका नाम है मिलिंद देशमुख सर। और करीबन करीबन उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया था 83 से, मतलब के ऑलमोस्ट ऐसा बता सकते हो कि मैं जब 3 साल या 4 साल का था उस समय से ये फोटोग्राफी से जुड़े, मतलब हमारे सामने बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है। और उनका काम मैंने खुद ने देखा है, उनके स्टूडियो पे मैं जा चुका हूँ, और कई सारे वर्कशॉप्स उन्होंने किए पूरे भारत भर में। और अमेजिंग पर्सनालिटी है, एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा हीरा जो अभी तक छुपा हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह पे थोड़ा सा उन्होंने चमक दिखाई, लेकिन मैं चाहता था कि उनका काम पूरे भारत में लोग देखे और सारे लोग उसको सराहे, तो इसलिए हम लोग मिले आज। तो आइए सर, शुरू करते। सबसे पहले सर प्लीज आपका बात शुरू कर किया जाए। वेलकम सर। थैंक यू सर। मुझे थोड़ा मेरे साथ में आपके विंडो नहीं दिख रहे, वो थोड़ा दिखे तो थोड़ा ओके, सा अच्छा रहेगा। यस, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा है मुझे, एक मिनट मैं देखता हूँ कहाँ से हो रहा है। तो ओके सर, नो प्रॉब्लम। मिलिंद सर जो है नासिक से है, महाराष्ट्र से, और उनको मैंने अभी जैसे हमारी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने काफी सारे एग्जीबिशंस किए फोटोग्राफी में, और उन्होंने कई सारे जगह पे उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। और मैंने उनका जो टच देखा है, वर्किंग स्टाइल देखा है, वो पोर्ट्रेट में बहुत अमेजिंग है। मतलब उनका पोर्ट्रेट लाइटिंग भी देखोगे तो आप अमेजिंग, मतलब गजब का है, तो बहुत शानदार है। सर सच बोलो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मोबाइल में आपका लाइव जा रहा है बहुत अच्छे से, फिर आपका कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, आपने जो पोर्टफोलियो अपना प्रोफाइल फोटो भी लिखा है, और जो पोर्ट्रेट वो सारी चीज दिख रही है, और आप और हम दोनों दिख रहे हैं। जी सर, ओके ओके ओके। ये थोड़ा सा मुहरे इसमें, अभी पहले आ रहे थे दोनों विंडो, अभी क्यों अच्छा नहीं आ रहे पता नहीं। कोई बात नहीं, आपका जो सबसे लेफ्ट वाला पहला विंडो है उसको कैरी ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहला वाला लेफ्ट साइड में, हाँ यू कैन गो हाँ अहेड। जी सर, ओके। सभी व्यूअर्स जो आज यहाँ पर है और जो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और मुझे मेरा नाम सुनकर यहाँ सब हाजिर हुए हैं मुझे सुनने के लिए, उनका मैं पहले सबसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ। और वाघेला सर का, वाघेला सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आपके सामने आने की, और सब लोगों के साथ दो बातें करने का। ये जो चांस वाघेला सर ने मुझे दिया और ये प्लेटफॉर्म से ये जो चांस मुझे आया है, उसके लिए मैं वाघेला सर का फिर से एक बार थैंक यू बोलूँगा, शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद वाघेला सर। और मैं ट्राई करूँगा, मैंने पूरे कोविड के साल में कोई वेबिनार किया नहीं एक्चुअली, और जी एकदम सर, शुरू में एक वेबिनार किया था, वो भी दूसरे ने ऑर्गेनाइज किया था, जूम पे किया था। तो ये यूट्यूब पे लाइव पहली बार आया हूँ, तो टेक्निकली थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मेरे से हो सकता है, तो उतना थोड़ा संभाल लो आप सब लोग और मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूंगा सबके लिए। और ये चीज़ जो है पोर्ट्रेट की, थोड़ा सा कुछ लोगों को थोड़ा बोर भी हो सकता है एक, आई थिंक आजकल सब लोग प्री वेडिंग में लगे हैं, थोड़ा प्री वेडिंग कैसा सीखने को मिलेगा, थोड़ा गिम्बल कैसा चलाने को मिलेगा, और क्रेन गिम्बल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो उसके चक्कर में ज्यादा लोग है कि जो काम है सीजनल है, मतलब सीजन में चलता है। लेकिन हम इस चीज को छोड़ दिया है कि जो रोज काम चलता था, स्टूडियो फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, ये काम रोज का चलने वाला है, हर सही हर दिन, हर मतलब हर दिन ये काम रहता है। और ये फोटोग्राफी सर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरा मतलब चालू हो गया वैसे चलेगा, आपको जो बीच में पूछना है तो आप बात कर सकते हैं मेरे से। तो श्योर सर, प्लीज प्लीज। ये जो फोटोग्राफी है सर, मैं इसके बारे में ऐसा बोलूंगा, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, कि ये एक तो अपने जन्म के पहले से चालू हो जाती है, तो आदमी के मरने के बाद में भी काम करती है। आप बोलेंगे कैसी बात करते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है। तो देखो, आप लोग मैटरनिटी शूट करते हैं तो जन्म के पहले से फोटोग्राफी चालू हो जाती है ना, बच्चा पेट में रहता है वहां से भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी चालू हो जाती है, और आदमी जाने के बाद में भी एक बड़ा सा पोर्ट्रेट घर में लगाना पड़ता है, तो वहां तक ये काम चलता है। मतलब देखिए कि आदमी के पूरे लाइफ में पोर्ट्रेट का काम मिलता है, और स्टूडियो में हर हर दिन 365 दिन पोर्ट्रेट का काम रहता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग थोड़ा शादी के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं और प्री वेडिंग और इसके उसके पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। तो ठीक है, मैं पोर्ट्रेट लाइटिंग में काम कर रहा हूँ, मेरा अच्छा काम है नासिक में, और मुझे खाली पोर्ट्रेट स्पेशल में ही अच्छा काम भी मिला है नासिक में, तो ये मेरा
वागेला जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, वैसे बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। मैं गए 35 साल से फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और धीरे धीरे आपके जैसा, सब लोगों के जैसा एक जनरल फोटोग्राफर ही था। मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी शादियाँ करता था, मैंने भी खेड़े पाड़े में जाके, गांव में जाके छोटी छोटी शादियां भी किया। ऐसा नहीं कि सब मैं बड़ा ही काम कर रहा हूँ, तो ऐसी शादियां भी मैंने किया, और ऐसे काम करते करते ही मैं यहाँ तक आया हूँ। तो ये मेरी थोड़ी छोटी सी पहचान थी। वर्कशॉप में गए 4-5 साल से करना चालू कर दिया, और मेरे वर्कशॉप रहते हैं प्ले ऑफ नाइट लाइट के नाम से। आज के वेबिनार का जो ऊपर का वर्ड है, आपने देखा होगा व्यक्ति रेखा लिखा है, व्यक्ति रेखा। यह व्यक्ति रेखा एक हमारा मराठी शब्द है, जो मराठी लोग नहीं है, जो गुजरात से जुड़े हैं, कोई एमपी से जुड़े हैं, तो उनको नहीं ख्याल में आएगा, लेकिन इसका मतलब है अ लाइन ऑफ आइडेंटिटी। हमारे फेस में एक लाइन रहती है, वो हमारे आइडेंटिटी रहती है। तो व्यक्ति रेखा का मतलब है लाइन ऑफ आइडेंटिटी। तो हर आदमी का अगर पोर्ट्रेट बनाना है तो उसकी लाइन ऑफ आइडेंटिटी हमें कैप्चर करते आना चाहिए, सबसे पहली बात। और आज का ये वेबिनार है पोर्ट्रेट लाइटिंग एंड स्टूडियो लाइटिंग वेबिनार, तो इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरे ख्याल से सब लोग सुन रहे होंगे, और सबको मेरा आवाज भी सही जा रहा होगा, जी और सर, जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो भी, वीडियो मतलब मेरा स्क्रीन भी आपको सही मिल रहा होगा। जी सर, ओके सर, सर 100 से भी थैंक ज्यादा यू। लोग जुड़ चुके हैं, 125 लोगों के आसपास है, और बहुत अच्छा ओके सर, रिस्पॉन्स है सर। प्लीज सर, प्लीज सर, चलेगा। ओके सर, थैंक यू। सब लोगों को, जितने लोग जुड़े हैं उनके वापस एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा। आगे चलते हैं। आज का जो वर्कशॉप है ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए है, ठीक है सर। किसी, अभी सर वेट करने की जरूरत नहीं ना, कंटिन्यू करूँ ना मैं सब पूरा? वागेला सर, कंटिन्यू करो सर, कोई दिक्कत नहीं। वागेला सर, कंटिन्यू करना है ना, वेट नहीं जी सर, करने का ना किसी? नहीं हाँ नहीं ओके, कोई कोई वेट नहीं, या सिंपली कंटिन्यू। यस सर। तो सबसे पहले यह है मेरे पोर्ट्रेट के गुरु, जिनके पास मैं पोर्ट्रेट सीखा। इनका नाम है केजी माहेश्वरी। केजी माहेश्वरी ये बिजनेस से कोई फोटोग्राफर नहीं थे, एक हॉबी फोटोग्राफर थे, लेकिन इनके पास में 350 पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए 350 अवार्ड है। वो सब नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड है, ऐसे मतलब गली वाले अवार्ड नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड है। 350 अवार्ड जिनके पास है, ऐसे गुरु मुझे मिले पोर्ट्रेट सीखने के लिए, और ये खाली हॉबी वाले थे। अगर इनकी दूसरी पहचान बताऊं तो इनके जो समधी लोग थे, ये आदित्य बिरला फैमिली से है, समधी लोग इनके है। तो ये इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन ये फोटोग्राफी में बहुत बड़े हॉबीस्ट थे। ये तिब्बत में जाके हर साल 1 महीना रहते थे, और वो तिब्बतियन लोगों के पोर्ट्रेट बनाते थे। तो ऐसे मेरे गुरु है, ये मुझे मिले और इनसे मैंने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सीखा। तो इनके मैंने करीबन 10 वर्कशॉप किया। आप सोचेंगे कि हम किसी भी मेंटर का एक वर्कशॉप करते, मुश्किल से मुश्किल एक वर्कशॉप करते, या तो 2 वर्कशॉप करते। दूसरे वर्कशॉप में भी बोलते कि क्या बताएंगे, वही पीछे बताया वही बताएंगे दूसरे, इसमें और क्या बताने वाले। तो ऐसे वर्कशॉप मैंने इनसे 10 वर्कशॉप किया। तो 10 वर्कशॉप में 2-4-5 वर्कशॉप होने के बाद में मैं इनको असिस्ट करने लग गया। तो आप सोचिए कि इतने 5 वर्षा होने के बाद में मेरे को कितना सीखने के मिले, कि जो उन्होंने मुझे अपने असिस्टेंट के रूप में काम दिया, मैं इनको असिस्ट करने लग गया। फिर उसके बाद में मैं बहुत से बार उनका मॉडल भी बना, मुझे मॉडल भी बना के बैठना बैठाते थे। तो ये है मेरे गुरु के जी माहेश्वरी सर। इनका वर्कशॉप जो है ऐसा डे लाइट में रहता था। आप देखिए कि जिसको आज के हमारे लाइट जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, आज जो हमारे लाइट है हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में रहता है, लेकिन डे लाइट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो डे लाइट के कंट्रोल करने के लिए आदमी मॉडल को ही कहाँ बैठाना है, कैसा बैठाना है, कैसा एंगल देना है, ये सब वहां सीखना पड़ता था। आपको बताया कि मैं बहुत से वर्कशॉप में मैं खुद मॉडल करके बैठा हूँ, और मुझे वो पोज दे रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। तो ऐसे वर्कशॉप हमने उनके साथ में मैं सीखा हूँ, और इतनी बारीकियां उन्होंने सिखाया पोर्ट्रेट में कि जो आज मेरे बहुत काम में आ रहे, और जो मैं आपके साथ में भी कुछ शेयर करना का प्रयत्न करूंगा यहाँ, ठीक है। ये मेरा छोटा सा बायोडाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ,
इसमें बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मुझे भी मिले हैं, इतने नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़े बहुत मिले हैं। इसमें एक बड़ी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरा एक वर्कशॉप जो जलगांव में हुआ था, जो वर्कशॉप को 600 से ज्यादा लोग हाजिर थे, और ये 600 लोगों का वर्कशॉप एक इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे एक इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड करके से नवाजा है। तो ये मेरा बड़ा एक वर्कशॉप था, 600 फोटोग्राफर एट ए टाइम मैंने एक वर्कशॉप लिया था। तो ये मेरा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। मेरे जो वर्कशॉप होते हैं खुद के, वो मैं प्ले ऑफ लाइट के नाम से करता हूँ। अभी आप बोलेंगे कि ये प्ले ऑफ लाइट कहाँ से आया, तो प्ले ऑफ लाइट ऐसा आया सर कि मेरे जो गुरु थे, उन्होंने उन्हें कुछ पत्रकार लोगों ने पूछा कि भाई अच्छे फोटोग्राफ्स ने क्या देखना चाहिए, अच्छा फोटोग्राफ्स कैसा होता है, कि अच्छा फोटोग्राफ्स कैसा समझना चाहिए, कि हम कैसा पहचाने कि ये अच्छा फोटोग्राफर है, कि या तो अच्छे फोटोग्राफर में क्या होना चाहिए। तो उन्होंने वो पत्रकार लोगों को एक ही शब्द में बोला कि आपके फोटोग्राफ में प्ले ऑफ लाइट दिखना चाहिए। मतलब क्या है कि लाइट का गेम दिखना चाहिए, लाइट कैसा, लाइट और शाडो का एक गेम दिखना चाहिए, लाइट कैसा वहां प्ले हो रहा है ये दिखना चाहिए। तो ये मेरा प्ले ऑफ लाइट के नाम से मेरा खुद के वर्कशॉप रहते हैं जो मैं नासिक में लेता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और 2 दिन के वर्कशॉप रहते हैं। अभी फोटोग्राफी है ना, अभी हम पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट जो बना रहे हम वो फोटोग्राफी से बना रहे, हम पेंटिंग नहीं बना रहे या तो स्कल्पचर नहीं बना रहे, एक पेंटिंग फोटोग्राफी का पोर्ट्रेट हम बनाएंगे। तो फोटोग्राफी पोर्ट्रेट के लिए फोटोग्राफी क्या चीज है ये समझना चाहिए। अभी आप लोगों ने बहुत से लोगों के वर्कशॉप सुने होंगे, किए होंगे, बहुत से मेंटर ने आपको सिखाया होगा, सारे मेंटर ने फोटोग्राफी का मतलब अपने को बताया ही है और अपने को पता ही है। फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि फोटोग्राफी का फोटोग्राफी के ये वर्ड के मीनिंग क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है। सबसे मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, तो जिसको भी पता है या जो जो भी कुछ पता है, तो आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में डाल दिया तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि मुझे तो चैट बॉक्स दिख रहा नहीं, वगैरह सर शायद आप मुझे दिखाएंगे। तो फोटोग्राफी का ये शायद आपको स्क्रीन का दिखेगा हाँ जी किसी हाँ, नाम छोटे स्क्रीन, हाँ मैंने एक एक्स्ट्रा मोबाइल लगाया है साइड में। ओके, जी तो फोटोग्राफी ये वर्ड का मीनिंग क्या है, किसी कोई बता सकता है मुझे? आकाशदीप जी बता रहे हैं लाइट का चित्र, ओके और ड्रोल इमेजेस बता रहे हैं फोटो मींस लाइट, और ओके, इस तरह से फोटो बता रहे मींस हैं। लाइट। ओके ओके, कोई बता रहा बहुत है से लोग, लाइट प्लस पेंटिंग, सब अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके ओके सर, ठीक है सर, बराबर है, ज्यादातर लोग सही बता रहे हैं हमें, इसमें कोई जी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से लोग सही बता रहे हैं। खाली मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा, या तो मैंने जो समझा है अभी तक उसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा कि फोटोग्राफी जो है, ये वर्ड का मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो ये फोटोग्राफी के दो पार्ट कर देते, एक होता है फोटोज और दूसरा होता है ग्राफ्स। ये दोनों ग्रीक वर्ड है सर, और फोटोज का मीनिंग होता है लाइट और ग्राफ्स का मीनिंग होता है ड्राइंग। तो हमारा फोटोग्राफ जो है ये लाइट द्वारा ड्रॉ किया गया पिक्चर है, हमारा जो फोटोग्राफ है, हम जो कैमरे से निकाल रहे हैं तो वो लाइट द्वारा ड्रॉ किया हुआ पिक्चर है। जैसा का सही पेंटिंग वाला, पेंटिंग वाला जो आर्टिस्ट है वो ब्रश और पेंट लेके पिक्चर बनाता है, स्कल्पचर आर्टिस्ट है वो मिट्टी लेके अपना पोर्ट्रेट बनाता है, और हम जो हमारा पोर्ट्रेट है हम लाइट के द्वारा बनाएंगे। आपके पास में बहुत बड़ा कैमरा दे दिया, हेजलबर्ट 20 लाख रुपए का, जी हाँ, और आप भी 20-25 साल से आपका फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है, और आपको कैमरा दे दिया और अंधेरे रूम में खड़ा करके बोल दिया कि फोटो निकालो, तो क्या आप लाइट नहीं के सिवा फोटो निकाल नहीं सकेंगे? क्लिक नहीं कर निकाल सकते। सकते। तो सही बात, हमें फोटोग्राफी के लिए लाइट बहुत जरूरी है, और लाइट समझना जरूरी है, लाइट को पढ़ना जरूरी है, लाइट को देखना जरूरी है। तो लाइट जिसके समझ में आ गया वो फोटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। तो ये फोटोग्राफी का मतलब है। ओके, अभी हम जाते हैं थोड़ा,
हमारा मेन सब्जेक्ट है फोटोग्राफी। मैं हर तरीके की करता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं ना, अभी 35 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो मैं एक फैमिली फिजिशियन के तरह बन गया हूँ कि कोई भी बीमारी वाला आ गया तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। तो सही बात। मैं, हाँ, तो मैं मेन क्या करता हूँ कि मैं तो पोर्ट्रेट मेन करता हूँ, और थोड़ा रोजी रोटी के लिए शादियां भी करता हूँ जिसमें ब्रेड एंड बटर है, ऐसा अच्छा पैसा मिल जाता है, वो भी करता हूँ। उसके बाद में मैं इंटीरियर एक्सटीरियर का आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करता हूँ, मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता हूँ, इंडस्ट्रियल करता हूँ, ये सारे चीजें मैं करता हूँ। ऐसा कोई चीज नहीं है कि वो अपने को नहीं आती है, क्योंकि इतने दिन से हम ये काम कर रहे हैं तो हमें सर हर चीज का एक्सपीरियंस आ गया, हर काम हमारे हाथ के नीचे से गया, हर कास्ट की शादी हमारे हाथ के नीचे से गई जो 30 साल से काम कर रहे हैं। तो मेन मेरा जो सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को खुद को भी इंटरेस्ट आता है वो है पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट क्या चीज है ये हमें समझना चाहिए। पोर्ट्रेट की डेफिनेशन आप नेट पर जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी कि पोर्ट्रेट क्या चीज है करके। फिर भी मैं आपके पास एक पोर्ट्रेट की डेफिनेशन मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ये पोर्ट्रेट की डेफिनेशन है, अ पोर्ट्रेट इज अ पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर और अदर आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन। मतलब क्या होता है कि पोर्ट्रेट जो है पेंटिंग में लो, फोटोग्राफ में लो, या तो स्कल्पचर में लो, पोर्ट्रेट जो बनाने वाले आर्टिस्ट है, जो पहले भी बताया कि पेंटिंग में बनाते हैं, स्कल्पचर में बनाते हैं और फोटोग्राफ में बनाते हैं, तो पोर्ट्रेट इज अ पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर और अदर आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, या तो और कोई भी आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होने दो, उसमें क्या होना चाहिए, इन विच द फेस एंड इट्स एक्सप्रेशन इज प्रीडोमिनेंट। मतलब क्या है कि आपका चेहरा और आपके एक्सप्रेशन ये बहुत जरूरी है, प्रीडोमिनेंट मतलब ये पहले दिखने चाहिए। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक्सप्रेशन फेस बाद में दिखता है, पहले बैकग्राउंड दिखता है, क्योंकि हमें कस्टमर बोलता है हमारे वाटरफॉल के सामने फोटो निकालो, तो ये ना हो। एक्चुअली पोर्ट्रेट में क्या चाहिए कि आपका इन विच द फेस एंड द एक्सप्रेशन इज प्रीडोमिनेंट, हमें एक्सप्रेशन और फेस को ज्यादा महत्व देना चाहिए। द इंटेंट इज टू डिस्प्ले द लाइकनेस, पर्सनैलिटी एंड द मूड ऑफ द पर्सन। अभी लाइकनेस क्या है जी, लाइकनेस बोले तो वो आदमी का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो उसमें दिखना चाहिए, ना कि उसका थोड़ा सा चेंज हो जाए कैरेक्टर। हम क्या स्टैम्पिंग करते करते उसके रिंकल्स पूरे निकाल दिए तो उसका कैरेक्टर चेंज होता है, तो कैरेक्टर नहीं जाना चाहिए, लाइकनेस नहीं जाना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी उस पोर्ट्रेट में दिखना चाहिए। वो क्या करता है वो पोर्ट्रेट में दिखना चाहिए। अगर वो एक आधा एडवोकेट है तो वो उसका एडवोकेट के जैसा रूबा वो पोर्ट्रेट में आना चाहिए। एक आधा गुरु जी है, पंडित है, पूजा कर रहा है, पूजा करने वाला आदमी है, तो वो गुरु जी का कैरेक्टर उसमें आना चाहिए। तो क्या है कि उसकी पर्सनैलिटी उसमें आना चाहिए, और सबसे मेन बात है उसके फेस पर उसका मूड आना चाहिए। उसका मूड जब तक आता नहीं तब तक उसके पोर्ट्रेट में जान आती नहीं। तो अभी कुछ मैं आगे जाके पोर्ट्रेट दिखाऊंगा, उसमें ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है, या तो आप खुद गेस कर सकते हैं या खुद आप उसको जज कर सकते हैं। तो ये है पोर्ट्रेट की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको नेट पर भी मिलेगी, लेकिन एक्सप्लेन करके देने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, या तो कोई मिला भी तो बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा वो आपको एक्सप्लेन करके बताए कि क्या लिखा है। तो ठीक है, उसके बाद में पोर्ट्रेट हमने देखा क्या होता है। ऐसे पोर्ट्रेट करने के लिए, ये सब चीजें लाने के लिए, ये हम कैसे लाएंगे, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि ये सब चीजें हमें लाना कैसे है। तो ये सब चीजें हमें लाना है लाइट से, क्योंकि हमारे पास तो ब्रश है नहीं, हमारे पास तो कलर है नहीं, हमारे पास तो मिट्टी है नहीं कि हम स्कल्पचर बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें लाना किधर से है, हम कहाँ से ला सकते, तो हम खाली खाली लाइट से ला सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी पोर्ट्रेट का एक बात ऐसी है कि पोर्ट्रेट के जो फोटोग्राफर्स हैं अपने पूरे वर्ल्ड में बेस्ट 10 पोर्ट्रेट फोटोग्राफर होंगे, उनमें से एक नाम है यूसुफ कार्श करके।
आप नेट पर भी इनको सर्च कर सकते हैं, ये वर्ल्ड के पहले 10 पोर्ट्रेट फोटोग्राफर में से एक है, यूसुफ कार्श। आप नेट पर इनको सर्च करके इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि इन्होंने चर्चिल, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, मतलब मैक्सिमम वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज के प्रधानमंत्रियों के पोर्ट्रेट बनाए, ऐसे ये यूसुफ कार साहब है। तो ये जब इन लोगों के पोर्ट्रेट बनाते थे, तो पोर्ट्रेट बनाने के जो जिसका पोर्ट्रेट बनाना रहता था उसके यहाँ 1 महीना पहले जाके रहते थे। 1 महीना पहले जाके रहने के बाद वो कैरेक्टर स्टडी करते थे, ये कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हिलते हैं, या उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कैसा खड़ा रहने के बाद कैसे अच्छे दिखते हैं, ये सब बातें स्टडी करने के बाद 1 महीना पहले उनके घर में जाके रहने के बाद ये वो प्रधानमंत्री का पोर्ट्रेट बना देते। तो ऐसे है यूसुफ काश। हमारे यहाँ क्या होता है कि कस्टमर आता है, हम ले जाते हैं, खड़ा करते हैं, 2 मिनट में क्लिक कर देते हैं, क्योंकि उसके पीछे दूसरा कस्टमर रहता है, 2 मिनट में क्लिक हो जाता है, चलो जाओ भागो, हो गया फोटो तुम्हारा। तो उससे पोर्ट्रेट नहीं बनता है। जहाँ यूसुफ कार साहब जो है 1 महीना एक पोर्ट्रेट के स्टडी करने के लिए लगाते थे, हम 1 घंटा तो ले सकते हैं किसी से। अगर आपको अच्छा पोर्ट्रेट बनाना है तो आपको कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा वो आदमी से बात करना चाहिए। उससे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा बोलता है, ये कैसा हंसता है, ये कितना हंसने के बाद अच्छा दिखता है, या तो ये इसका एटीट्यूड वाला फेस अच्छा दिखता है, ये गुस्से में ज्यादा अच्छा दिखता है, कोई आदमी गुस्से में ज्यादा अच्छा दिखता है, कोई आदमी का फेस हंस के ज्यादा अच्छा दिखता है, कोई आदमी थोड़ा थोड़े से स्माइल में अच्छा दिखता है, या तो कोई आदमी बहुत खिलखिला के हंसता है वो टाइम पे ज्यादा अच्छा दिखता है। तो ये स्टडी करना पड़ता है हर आदमी के फेस की, जब जाके हम अच्छा पोर्ट्रेट सामने दे सकते हैं। तो ये स्टडी यूसुफ कार साहब जो मॉडल का पिक्चर बनाना रहता है उसके यहाँ जाकर 1 महीना रहते थे और ये सब स्टडी करते थे। तो हम लोगों ने कम से कम आधी पौन घंटा वो आदमी से बात करना चाहिए, उसको थोड़ा सा ट्यून अप करना चाहिए, उससे हिल मिल के बात करना चाहिए, हंसना चाहिए, उसके बाद में उसका पोर्ट्रेट निकलना चाहिए। हाँ, ये सब चीजें जो बता रहा हूं मैं, ये अच्छा पोर्ट्रेट बनाने के लिए जरूरी है ये बता रहा हूं, ना कि एक 50 रुपए के 4x6 के लिए। ये तो आप बोलेंगे सर ने ये क्या बोल दिया कि एक 50 रुपए दे रहा है 4x6, तो उसके लिए 1 घंटा कहाँ से लगा देंगे। तो उसके लिए नहीं है, हम बोल रहे हैं कि एक अच्छा पोर्ट्रेट किसी का बनाना है तो उसके लिए ये जरूरी है आपको। ठीक है, फिर आता है पोर्ट्रेट के बारे में। फिर मैंने क्या सोचा कि मैंने गुरुजी से पढ़ा, मैंने यूसुफ कार्स जी को पढ़ा, तो इन लोगों ने जो बोला पोर्ट्रेट के लिए, तो फिर मैंने भी कुछ मेरे फंडे लगाए कि मैंने क्या सोचा पोर्ट्रेट के बारे में। पोर्ट्रेट अबाउट अबाउट पोर्ट्रेट मी, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एवरी पर्सन डज हैव हिज ओन लाइन ऑफ आइडेंटिटी। मैंने पहले बोला था कि मैं व्यक्ति रेखा बोला था ना, कि लाइन ऑफ आइडेंटिटी, एवरी पर्सन डज हैव हिज ओन लाइन ऑफ आइडेंटिटी, आई ट्राई टू एक्सपोज इट। हर आदमी की एक लाइन ऑफ आइडेंटिटी होती है, वो लाइन मुझे एक्सपोज करने का ट्राई करना है, ये मेरा कहना है। दूसरा क्या है, दूसरी चीज क्या है, एवरी पर्सन रियली अ ग्रेट आर्ट वर्क ऑफ गॉड। हर आदमी को भगवान ने बनाया है और वो भगवान की एक बहुत बढ़िया रचना है, एक ग्रेट आर्टवर्क है, हमें बनाया भगवान ने। तो हर आदमी को भगवान ने बनाया, तो भगवान का एक ग्रेट आर्टवर्क है। आई ट्राई टू कैच इट, वो अच्छा आर्टवर्क मैंने कैच करने का ट्राई करना है, आई ट्राई टू कैच इट। फिर क्या है कि एवरी पर्सन स्मार्ट हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, एवरी पर्सन स्मार्ट हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, आई ट्राई टू शो इट, आई ट्राई टू शो इट। देखो, हम शादी में जाते तो सबसे पहले जो बात होती है तो देखते हैं कि कपल कैसा दिख रहा है। अगर कपल स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, तो हमारा फोटोग्राफी बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर कपल थोड़ा भी डल है तो हम सोचते हैं कि अरे यार क्या हो
दुल्हन दिखने को अच्छी ही नहीं है, दूल्हा दिखने को अच्छा नहीं है, कैसे फोटो निकालेंगे, कैसा करेंगे? तो ऐसा नहीं है, एवरी पर्सन स्मार्ट हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। हर आदमी अपने जगह पर स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है। अगर हम खुद आईने में जाके देखें तो हम अपने को बैड नहीं बताते, हम अगर आईने में जाके देखें तो हम अपने आप को खूबसूरत ही समझते हैं। तो हम कौन बोलने वाले कि आप अच्छे नहीं दिख रहे? मेरा खुद का काम यह है, एक फोटोग्राफर का टास्क यह है कि सामने वाला कैसा भी हो उसका अच्छा फोटो दिखाना, अच्छा फोटो निकालना, यह हमारा काम है। वो दिखने के लिए कैसा भी हो लेकिन उसका फोटो अच्छा निकलना चाहिए। देखिए, अमिताभ बच्चन जी का पोर्ट्रेट किसी ने भी बनाया तो वो अच्छा ही बनाएगा। कोई भी फोटोग्राफर ने उनका फोटो निकालना है तो अच्छा ही निकलेगा। मुझे चाहिए एक जनरल पब्लिक में से आदमी का, एक जनरल हमारे स्टूडियो में आने वाले कस्टमर का पोर्ट्रेट अच्छा बनाए, जो जनरल आदमी अमिताभ बच्चन के जैसा देखे, ये फोटोग्राफर को करते आना चाहिए। तो हमारा फोटोग्राफ कस्टमर को पसंद आएगा, उसको अच्छा लगेगा। आजकल तो हर स्टूडियो में पहले फोटोग्राफर के पास कस्टमर आता है तो वो बोलता है कि यार मेरा फोटो ही अच्छा नहीं आता, मैं कहीं भी फोटो निकालो मेरा अच्छा ही नहीं आता। तो क्या होता है कि वो जो अच्छा नहीं आता बोलने वाले कस्टमर है, उसका आप अच्छा फोटो निकाल के दो तो आपका ये आपका टास्क है, और वो आपकी फिर क्या बोलते हैं उसको, उसमें आपने कमाया, वो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा आगे आपके पास से। उसके बाद में आता, एवरी पर्सन इज हैविंग हिज ओन एक्सक्लूसिव एंगल, आई ट्राई टू फाइंड इट। हर आदमी एक एंगल से बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत स्मार्ट दिखता है। कोई भी आदमी देखो, हर आदमी एक एंगल से बहुत खूबसूरत दिखता है, स्मार्ट दिखता है, हैंडसम दिखता है। वो एंगल हमें ढूंढना चाहिए, वो एंगल हमें फाइंड करना चाहिए, आई ट्राई टू फाइंड इट। हर आदमी का एक एंगल होता है, वो एंगल हमें ढूंढना चाहिए, उसको फाइंड करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? कुछ करना नहीं है। बियर बार में जाते हो ना कि नहीं? जो नहीं जाते होंगे बड़ी अच्छी बात है, जो जाते होंगे तो वहां बार में एक चेयर रहता है, जो चेयर के ऊपर बैठने के बाद में चारों तरफ घूमती है, वो चेयर खरीद के लाना है। आजकल वो फोटोग्राफी के शॉप में भी मिलना चालू हो गया है। तो वो एक स्टूल लाना है जो चारों तरफ घूमता है, तो उसके ऊपर अगर आप अपने मॉडल को, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने कस्टमर को बैठाएंगे, उसको सामने बैठाओ, थोड़ा सा दूर खड़ा हो और उसको पूरा घुमाओ, एक राउंड मारो उसको, तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से एंगल से खूबसूरत दिखता है, स्मार्ट दिखता है। वो जिस एंगल से आपको अच्छा दिखता है वो एंगल आप पकड़ो, वो एंगल में पोजिंग करो, और फिर उसके बाद में उसको लाइटिंग करो, और फिर टेक्निकली आपके कैमरे के सेटिंग करो, और उसके बाद में उसका एक्सप्रेशन और मूड निकालो। ये फोटोग्राफी की स्टेप्स है। सबसे पहले आता है पोजिंग, उसके बाद में आता है लाइटिंग, उसके बाद में आता है टेक्निकल आपके कैमरे के सेटिंग्स, उसके बाद खाली स्माइल बोल के क्लिक नहीं है, तो उसके एक्सप्रेशन निकालना है, उसको हंसाना है, उससे बात करना है, उसका प्रॉपर एक्सप्रेशन जहां तक आता नहीं वहां तक आपको अच्छा पोर्ट्रेट नहीं मिलेगा। तो ये पोर्ट्रेट के स्टेप्स है थोड़े से। उसके बाद में आता है, अभी ये सब करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स है, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमें चाहिए, जो हमारे फोटोग्राफी के लिए जरूरी है, जिसके वजह से हम अपना काम और अच्छा और बढ़िया कर सकते हैं। अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज करते गए तो हमारा काम वो लेवल तक नहीं जाएगा, ये कॉम्प्रोमाइज होते गया तो हमारा लेवल कम होते जाएगा। तो क्या क्या चाहिए हमें इस चीज में, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है हमारे फोटोग्राफी के, या तो पोर्ट्रेट बनाने में, हम जिसका भी पोर्ट्रेट बना रहे हैं, जो भी पोर्ट्रेट का काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? देखो, मैं पहले से बात कर रहा हूँ, मैं फोटोग्राफ निकाल रहा हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, मैं किसी का भी पोर्ट्रेट बनाऊंगा, फोटो नहीं निकालूंगा, तो मुझे उसका पोर्ट्रेट बनाना है, पिक्चर बनाना है। इसीलिए हम फोटो निकालते बोलते, इसलिए पेंटिंग वाले हमारे से ज्यादा पैसे लेते हैं। कोई पेंटिंग वाला किसी का पोर्ट्रेट पेंट करके दे तो 20-25 हज़ार रुपए लेके जाएगा। कोई स्कल्पचर आर्टिस्ट उसका स्टैच्यू बनाएगा, वो भी 20-25 हज़ार रुपए लेके जाएगा। लेकिन फोटोग्राफर क्लिक करके फोटो निकालता बोलता है, इसलिए उसको 50 रुपया मिलता है। तो इसलिए मैं पहले से बात कर रहा हूँ, मैं फोटोग्राफ नहीं निकाल रहा हूँ, मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ।
मैं पिक्चर बना रहा हूँ, हम क्रिएट कर रहे पिक्चर बना रहे और उस पोर्ट्रेट में जान डाल रहे। तो पोर्ट्रेट बनाना है, फोटो निकालना नहीं है, हमें पोर्ट्रेट बनाना है, पिक्चर बनाना है। तो वो पोर्ट्रेट बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो हर एक चीज आने के बाद आप बोलेंगे कि सर इसमें तो ये कॉम्प्रोमाइज है, ये तो करना पड़ता। तो मैं बोलूंगा नहीं करना है, तो फिर कैसा है देखते। तो क्या चाहिए हमें, इतनी चीजों की जरूरत है और ये होना ही होना है, इसमें से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए मुझे। पहली चीज आती है आइडियल स्टूडियो साइज। आइडियल स्टूडियो साइज क्या होना चाहिए, कुछ लोग इसमें बता सकते हैं, या तो ठीक है मैं ही डायरेक्टली आगे जाता हूं, क्योंकि ये सब चैट में डालने के लिए टाइम जाएगा आपको, कि आइडियल स्टूडियो साइज क्या होना चाहिए। कोई बोल सकता है, किसी के दिमाग में है थोड़ी बहुत बातें, और आइडियल स्टूडियो साइज हम साइज हमें क्या रहना चाहिए। हेलो, हाँ ठीक है मैं बताता हूँ आपको। देखो आइडियल स्टूडियो की साइज जो है वो कम से कम जो विड्थ है 10 बाय 20, किसी ने बोला 20 बाय 20 बोला किसी ने, ठीक है अच्छा रिस्पांस है सबका, सब लोग है और सुन रहे। किसी ने लिखा 10 बाय 10 लिखा है, 20 बाय 20, 10 बाय 20, 10 बाय 10। तो क्या है कि अभी मुझे समझ में आ रहा है कि तो आप सब लोग मुझे ध्यान से सुन रहे करके, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं खाली इधर से बोल रहा हूँ और आप खाली मोबाइल चालू करके बैठे। 12 18, अच्छा बहुत सारा वेरिएशन आ रहा है अभी सब सुन रहे सर, अगर डोंट वरी ये सर, 200 250 से भी ज्यादा लोग अच्छा सुन रहे हैं आपको नहीं, जी। आप भी थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा आप भी आ जाए करें तो जी सर, जी सर, मुझे ऐसा लगे थोड़ा सा आपका सपोर्ट है मुझे जी सर, श्योर सर, तो क्या हो रहा है कि सब लोगों ने इतना वेरिएशन दिया अभी स्टूडियो के साइज में, इतने इतने डिजिट आ रहे इसमें, 10 बाय 10, 12 बाय 12, ये वो सब आ रहे। तो ठीक है एक मिनिमम साइज मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि एक मिनिमम साइज हमें आना चाहिए, एक 15 फीट का विड्थ होना चाहिए और कम से कम 30 फीट का डेप्थ होना चाहिए, ओके 15 बाय 30। ये अच्छा क्या होता है ना सर कि हर मेंटर, आप सर थोड़ा सा हाजिर रहिए मेरे साथ में, ठीक जी है। सर, क्या होता है आपको आपको बताया जाता है कि ये जरूरी है, मेंटर बोल देता है कि ये करना है वो करना है। तो मैं सबसे ये बोलूंगा कि भाई मैं बता रहा हूँ 15 बाय 30 चाहिए, तो क्यों चाहिए ये पूछना चाहिए, है ना। सही बात वाई है, वाई ये इतना मिनिमम 15 बाय 30, इससे बड़ा कितना भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 15 बाय 15 फीट का विड्थ चाहिए और 30 फीट का डेप्थ चाहिए। तो ये पूछना चाहिए क्यों इतना चाहिए, है ना। तो इसके भी कुछ रीजन है इसलिए चाहिए, नहीं विदाउट रीजन तो कोई भी बोल देगा ये इतना चाहिए इतना होना चाहिए। तो बोल देते ये 5.6 रखो, ये 125 रखो, लेकिन क्यों रखो ये हाँ कोई नहीं बोलेगा। सही बात है, तो 15 बाय 30 इसलिए चाहिए सर कि देखो ऑब्जेक्ट जो है बैकग्राउंड से 6 से 7 फीट के डिफरेंस पे चाहिए, एक छह से ओके सात फुट का डिफरेंस बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट बैठना चाहिए, तो जाके हमें कुछ बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट में सेपरेशन मिलेगा, थोड़ा सा ब्लरिंग मिलेगा, थोड़ा सा किट लेंस पे भी ब्लरिंग मिलेगा। हाँ जी आज 1.4 और 1.2 पर 1.2.8 पे ब्लरिंग तो आ रहा है, लेकिन किट लेंस के ऊपर भी ब्लरिंग चाहिए। तो बैकग्राउंड से 6 से 7 फीट के डिफरेंस पे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मुझे 30 फीट में बता रहा हूँ कि 7 फीट अगर इसमें चला जाता है तो 2 फीट आदमी बैठता चेयर में चला जाता है, 9 फीट हो गया, फिर बचता है हमारे पास में 20 फीट। हाँ जी आगे जो मैंने लिखा है, आगे ये जो सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है, आगे मैंने लिखा है कि लेंस फॉर पोर्ट्रेट भी लिखा है। हाँ जी तो पोर्ट्रेट के लिए एक्चुअल क्या फोकल लेंथ में पोर्ट्रेट निकलना चाहिए, मैं डायरेक्ट थर्ड थर्ड पे जाता हूँ कि लेंस फॉर पोर्ट्रेट कि क्या फोकल लेंथ पर पोर्ट्रेट निकलना चाहिए कि जिसके कारण पिक्चर में डिस्टॉर्शन ना आए, कोई भी डिस्टॉर्शन, वाइड एंगल का डिस्टॉर्शन ना आया तो टेली का डिस्टॉर्शन नहीं आए। तो 70 to 100 mm में पोर्ट्रेट निकलना चाहिए, फोकल ओके लेंथ जो है, हाँ फोकल लेंथ जो है 70 to 100। अगर मैंने बताया कि 6 से 7 फुट के ऊपर ऑब्जेक्ट आ जाए और 7 फुट के ऊपर ऑब्जेक्ट आने के बाद मैं आपको 70 या तो 100 mm का लेंस हाथ में दे दिया, तो आपको पीछे जगह कितना लगेगा खड़ा रहने के लिए। सही तो बात, जाहिर है आपको 15 20 फीट तो जगह लगना ही है ना। तो इसलिए
30 फीट का हमें डेप्थ चाहिए स्टूडियो का कम से कम, और 15 फीट का विड्थ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो लाइट है 2 फीट का अगर चेयर तो राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में लाइट घुमाने के लिए बचता कितना, 6-6, 7-7 फीट जगह बचता है। 6 फीट तो जगह चाहिए साइड में, हमारे साइड में 6 फीट तो जगह चाहिए लाइट घुमाने के लिए, लाइट सर्कुल करने के लिए, इधर से उधर चलाने के लिए, तो 5-6 फीट तो जगह चाहिए ना। सही बात है। हाँ, मतलब क्या, अगर मुझे 90 डिग्री से लाइट देना है किधर से, अभी आजकल हुआ क्या है कि ये चीज की जरूरत ही नहीं समझ रहे। स्टूडियो में जाते हैं हम, बहुत से स्टूडियो में अपन जाते हैं तो 2 लाइट रहते हैं वो साइड में ऐसे सामने से डाले रहते हैं, सॉफ्ट डॉक सामने से 2 लाइट डाले रहते हैं, तो साइड में ले जाने का किसी को काम ही नहीं पड़ता है, इसलिए वीड चाहिए ये किसी को पता ही नहीं है। सही बात है ना, ये लाइट को साइड में ले जाना पड़ता है, ये जरूरत ही नहीं है ऐसा। कुछ लोग सामने से ऐसे 2 लगा देते जैसे स्पीकर लगाए घर में अपने, साउंड के स्पीकर लगा देते ऐसे लाइट लगाए रहते हैं, सब लगाते ऐसे नहीं, जो नहीं लगाते अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडियो में ऐसा देखे जाता है कि सामने से लाइट डालते तो फिर साइड में करने की जरूरत नहीं, तो फिर काय के लिए जगह चाहिए साइड में हमें। तो जब हम लाइटिंग करेंगे, लाइटिंग फेस के ऊपर डालेंगे, तब समझ में आएगा कि हमें लाइट घुमाना भी है इधर से उधर, हमारे 45 डिग्री में लाइट लेके जाना है या तो 90 डिग्री में लाइट लेके जाना है। तो 90 डिग्री में लाइट लेके जाने का 5 फुट 10 फीट का स्टूडियो है तो वो तो ऑब्जेक्ट के कान के पास में लाइट आ जाएगा, तो कहाँ से लाइटिंग बनेगा अपना, तो लाइटिंग होएगा नहीं। इसलिए कि आइडियल स्टूडियो साइज जो है एक 15 से 30 फीट, 15 फीट बाय 30 फीट कम से कम होना चाहिए। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर हमारा तो 10 बाय 10 का ही है, उसमें भी काउंटर निकाला और फिर 8 फीट का ही अंदर बचा है, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें कैसा करेंगे सर, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। सही बात सर, कोई जादूगरी नहीं हो सकती है। नहीं हो सकता है, सही बात है। मतलब अगर आप छोटा स्टूडियो बनाते हो, पासपोर्ट वगैरह जो आइडेंटिटी कार्ड के फोटो निकालते हो तो वो तरफ ठीक है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, एक मास्टर बनना चाहते हो पोर्ट्रेट में, अपने शहर में एक अच्छा नाम बनाना चाहते हो, और सच में जिसको बोला जाता है कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, तो उसके लिए अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है जैसे सर ने बताया तो वो जरूरी है। हाँ, अभी मैंने एक कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि जगहों की मजबूरी होती है। एक कमेंट्स है कि जगहों की मजबूरी होती है, बराबर है आपका, कि आपको मार्केट में स्टूडियो भी चाहिए और जगह, आप जो गाला खरीदते हैं, जो शॉप खरीदते हैं वो 10 बाय 12 10 बाय 15 का रहता है ना। तो हम भी इसमें से गुजरे हैं, हम नहीं गुजरे ऐसी बात नहीं है, मैं भी इसमें से गुजरा हूँ, है ना। वाघेला सर मेरे स्टूडियो में आके गए तो उन्होंने मेरा स्टूडियो भी देखा हुआ था, कितना बड़ा अंदर स्पेस था करके। तो हम भी उसमें से गुजरे, जिस वक्त मेरा इतना बड़ा स्टूडियो नहीं था, मैं भी छोटे गाले में था, तो मैं क्या करता था, मुझे ये टेक्निकल चीज पता थी, जब तक मुझे पता नहीं थी तो मैं उसी में काम कर रहा था। जब मुझे ये टेक्निकल पता चल गया तो फिर मैंने क्या किया कि मैं जो शूट रहता था वो कस्टमर के घर में जाके करता था, जो जेन्युइन शूट रहता था उसका घर का हॉल यूज करता था। सही बात है भाई, तेरा घर का हॉल बड़ा है तो मैं वहां जाके काम करूंगा, उस वही नहीं होता तो मैं कोई हॉल रेंट में लेता था, मैं वहां जाके अपने लाइट सेट करता था, बैकड्रॉप का स्टैंड ले लिए थे और बैकड्रॉप खड़ा करके मैं वहां शूट करता था। तो ये इसके ऊपर ऑप्शन है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ, पासपोर्ट ठीक है अपना चल जाएगा। तो इतने अपने को स्टूडियो साइज, जिसने बोला कि जगहों की मजबूरी है वो ये बात समझ ले कि मजबूरी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वहां कॉम्प्रोमाइज ना करो, आप कोई दूसरी जगह पर जाके काम करो, उसका शूट कहीं और जाके काम कर सकते हैं, एक आधा हॉल रेंट में रखो, उसको बोलो कि भाई कभी भी शूट रहा है तो मैं तेरे को 1,500 रुपया दूंगा और मैं ये शूट करके जाऊंगा, या तो फिर शाम के टाइम आप आउटडोर में कर सकते हो, ठीक है। और स्टूडियो का इनर वॉल, सेकंड में आता हूँ, स्टूडियो का इनर वॉल कलर क्या होना चाहिए, तो स्टूडियो के इनर वॉल कलर जो है ये 18% ग्रे होना चाहिए, ऐसा मैं अपने गुरु से सीखा हूँ, अपने यहाँ से मिला है मुझे कि 18% ग्रे, ना कि पूरा व्हाइट वॉश होना चाहिए, ना कि डार्क ब्लैक होना चाहिए। तो जो 18% ग्रे बोलेंगे न्यूट्रल कलर होता है, ना तो लाइट एब्सॉर्ब करेगा, ना तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, और ना ही कोई कलर का टिंच छोड़ेगा फोटोग्राफ में। लेकिन हमने जो स्टूडियो देखे है, मैक्सिमम स्टूडियो में जाते हैं एक वॉल रेड, एक वॉल ब्लू, एक वॉल ग्रीन, ऊपर स्क्रीन में और कुछ सीलिंग में दूसरा कलर डाला, ऑरेंज कलर को वो झाड़ के पत्ते वगैरह लगाते, प्रिंट करते हैं झाड़ के। हाँ, तो इतने कलर अगर आपके पास स्टूडियो में लगा दिया और आपने देखो कोई, और उसके बाद में भी क्या होता है ना सर,
उसके बाद में भी हमारे पास लाइट जो रहते हैं वो मास्टर रहते हैं, 600 वाट के बड़े स्टूडियो, 10 बाय 10 का कलरफुल वॉल, 600 वाट के बड़े लाइट। तो ये लाइट हम जब ऑब्जेक्ट पे डालते हैं तो लाइट ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद में वो बचा कुचा लाइट वॉल पे भी जाता है, तो वॉल पे जाके बाउंस होके आता है और वो वापस ऑब्जेक्ट पे आता है, तो सारे चेहरे में जो कलर टीज आते हैं वो कोई फोटोशॉप में निकलते नहीं, नहीं निकलते, सही बात है। और उसमें भी सर ये क्योंकि इनका जो ज्यादा नॉलेज होता नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं, मतलब हाँ प्रॉपर स्टॉप हाँ बॉक्स में यूज नहीं करते। मतलब होता क्या है कि आधी लाइट पीछे जाती है दीवार पे जाके रिफ्लेक्ट होते आती है। बराबर है। तो ये सब बातें उसमें प्रॉब्लेमेटिक होती है, इसलिए ये स्टूडियो का इनर वॉल कलर जो है 18% ग्रे चाहिए। जी मैं पहले बताया कि मैं बता रहा हूँ कि 18% ग्रे चाहिए, तो लोगों ने पूछना चाहिए क्यों चाहिए, व्हाई। तो इसका आंसर ये है कि इसलिए आपको 18% ग्रे चाहिए। लेंस फॉर पोर्ट्रेट मैंने पहले बता दिया था कि जी 70 to 100 mm के फोकल लेंथ में पोर्ट्रेट शूट करना चाहिए, तो ज्यादा उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आता। जो डिस्टॉर्शन जो बात है वो मैं कुछ पिक्चर बाद में दिखाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएंगे। फिर आता है आई लेवल। अभी बहुत से लोग हैं, मेंटोर भी है, ऊपर से नीचे से निकालने का गाइड करते हैं सुनते, तो वो सब बातें क्रिएटिव करने के लिए गलत है, मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सब बातें उनके जगह पर सही है। लेकिन अच्छे पोर्ट्रेट के लिए, सही पोर्ट्रेट के लिए आई लेवल, जो कैमरे की आई लेवल है वो सही होना चाहिए। आई लेवल जो है, जितना फ्रेम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जितना फ्रेम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारा कैमरा उसके सेंटर में होना चाहिए, जब जाके हमारी आई लेवल सही रहेगी। अगर हम नीचे से फोटो निकालते हैं तो कैसा निकालता है, अगर हम ऊपर से फोटो निकालते हैं तो कैसा होता है। तो थोड़ा मैं आपको दो पिक्चर शेयर करूंगा। एक 2 मिनट मेरा फोटोशॉप खुलेगा तो फिर मैं आगे जाऊंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। दोस्तों सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपके वहां जो है 18% ग्रे, नॉट 80, 80% नहीं चाहिए, 18%, 18% जो है ग्रे होना चाहिए ताकि किसी को गलत फहमी ना हो जाए। और आप लोगों ने देखा होगा जब लोग जब व्हाइट बैलेंस करते हैं उसका जो ग्रे कार्ड आता है उसमें भी 18% ही ग्रे होता है, जो आपको व्हाइट बैलेंस करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इनके साथ साथ ही जैसे सर ने बताया कि मैं खुद शूट करता हूँ इसलिए मुझे पता है कि स्पेस सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग जो स्पेस का इंपॉर्टेंस नहीं समझते। मुझे तो गवर्नमेंट शूट होता है तब भी हम लोग जो है गवर्नमेंट का जो हॉल होता है ना, कम्युनिटी हॉल जिसे बोल सकते हो या फिर ऑडिटोरियम बोल सकते हो, वैसा हॉल हम लोग लेते हैं और उसमें हम लोग शूट करते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस भी ना और पूरा दिन हम लोग अच्छे से शूट कर पाए। तो ये भी होता है, तो ये स्पेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, खास करके जब आप क्रिएटिव करना चाहते हो। ठीक है सर, थैंक यू। थोड़ा सा मेरे स्क्रीन के ऊपर गया था, मेरा जी सर, स्क्रीन दिख रहा है, थोड़ा व्हाइट स्क्रीन आ गया। जी सर, अजी अभी मैं करेक्ट बता रहा कि हम अभी मैं बता रहा कि आई लेवल क्या होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि हम जितना भी फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं, जितना भी सामने सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कैमरा है जो है मेरा सेंटर में आना चाहिए। अभी ये पोर्ट्रेट के लिए बता रहा हूँ। अजी आप कोई भी क्रिएशन, या तो शादी में बिंदी का फोटो ऊपर नीचे से ले रहे, वो सब बातें चलती है, वो बात अलग है। कुछ चीजें रूल ब्रेक करके भी कर रहे हैं लोग, तो वो भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पोर्ट्रेट में जाते हैं, स्टूडियो फोटोग्राफी में आप जाते हैं, तो आपका आई लेवल जो है, जितना फ्रेम सिलेक्ट कर रहे, कैमरा उसके सेंटर में होना चाहिए। तो नहीं नहीं सेंटर में हुआ तो क्या होता है, नीचे से फोटो निकाला तो क्या होता है, ऊपर से निकाला तो क्या होता है। देखो ये एक पिक्चर है मेरे पास, ये पिक्चर है, इसका आई लेवल प्रॉपर है, सेंटर से लिया है। ये पिक्चर का आई लेवल सेंटर से लिया है, ये पिक्चर प्रॉपर दिख रहा है। अगर हम इसको छोड़ के, जिसने ये फोटो, आपको कैसा लग रहा है, ये फोटो जो है आई लेवल से ऊपर से लिया है, ऊपर से, तो इसमें क्या होता है, ये बंदे की हाइट जो है कम दिख रही है, इसकी हाइट कम दिख रही है। अगर वही फोटो हम ऊपर से ले रहे तो ऐसा दिख रहा है, हम अगर नीचे से ले रहे तो क्या हो रहा है, नीचे से अगर हम लेते हैं तो ये फोटो ऐसा, इसका हाइट बढ़ जाता है। तो आई लेवल अगर हम गलत करते हैं तो हम हमारे ऑब्जेक्ट में, या तो हमारे कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर लेते हैं। अगर आई लेवल सही ना हो,
बीच में से शूट करते हैं तो अच्छा है, अगर नीचे से करते हैं तो उसका हाइट ज्यादा होता है, हम अगर ऊपर से शूट करते हैं तो उसका हाइट कम होता है। तो यह आई लेवल के लिए जरूरी है। देखो इसको थोड़ा समझने के लिए बात ऐसी है कि क्या होता है कि जो 10x10 के स्टूडियो में, वही बात बोला ना मैंने कि सर हर एक बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर एक बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आई लेवल से जो जो बात जुड़ी थी वो है कि आपने देखा अगर हम वाइड एंगल, अभी पहले बोला था कि स्टूडियो की साइज कम होने से क्या होएगा, स्टूडियो की साइज अगर आप 10x10 का स्टूडियो है तो वहां क्या करेंगे, आप वाइड एंगल का लेंस यूज करेंगे, जो भी हमारे पास आता है 24 mm वगैरह जो लेंस आता है उसको हम लेके काम करेंगे। हम फिर पूरा खड़ा फोटो लेना है तो हम क्या करेंगे, बैठता नहीं है, पूरा वाइड करने के बाद में भी कैमरे में बैठ रहा नहीं तो हम क्या करेंगे, नीचे बैठ के ले लेंगे। और नीचे बैठ के ले लेंगे तो देखा आपने कि जो मैंने नीचे से फोटो निकाला वो उसका हाइट बढ़ गया, उसके पाव बड़े आ गए, उसका मुंह छोटा हो गया। और सही अगर बात मैं, सही बात है, अगर अगर मैं नीचे बैठ के नहीं लेता हूँ ऊपर से लेता हूँ, ऊपर खड़ा होकर थोड़ा मेरा हाइट ज्यादा है तो ऊपर से लेता हूँ तो क्या होता है, उसका सर बड़ा आ जाता है, उसके पाव छोटे हो जाते हैं और उसकी हाइट कम आ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर का कार्टून बना रहे हैं, कस्टमर को जो है, कस्टमर का जो है कार्टून बना रहे सर। तो इसलिए फिर कस्टमर हमारे पास आके वही बोलता कि मेरा फोटो अच्छा नहीं आता। हर आदमी स्टूडियो का फोटो, कस्टमर आता ना मेरा कहीं भी फोटो निकालो अच्छा ही नहीं आता, वो कैसा आएगा, उसको तू जैसा है वैसे दिखाई नहीं रहे। और एक आधा फोटोग्राफर है अभी, ये थोड़ा सा उसको पता है कि नहीं मेरा आई लेवल सेंटर में होना चाहिए, वो सेंटर से निकालता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह आता है कि 10x10 के स्टूडियो में निकल रहा है, वाइड एंगल से निकल रहा है, तो वो सेंटर में आके निकलता है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है, उसका सर भी पीछे जाता है, पाव भी पीछे जाते हैं और पेट सामने आ जाता है, क्योंकि उसका असर राउंड बन जाता है। सही वाइड बात है एंगल कि से कर रहे वाइड एंगल ना, से जो पूरा वाइड करके सेंटर में रहेगा तो उसका जो बॉडी का मीट पार्ट है वो काफी बड़ा हो जाएगा। मिड सही पार्ट है बड़ा हो सही जाता, तो उसका मतलब उसका टमी नहीं होते भी टमी दिख जाएगी उसकी। बात, मतलब कि उसका हाइट बहुत प्रॉपर होना चाहिए कैमरे का, और कैमरे के हाइट के साथ डिस्टेंस भी होना चाहिए। हाँ तो बहुत सारी कैमरे ऐसी के बातें हाइट हैं के जो साथ, डिस्टेंस के बगैर नहीं चलेगा। हाँ तो जगह के जो जो जगह चाहिए उसके सिवा कुछ काम नहीं होने वाला। सही बात है। तो एक दूसरे से मिला है कि आई लेवल भी आपकी परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में लेंस परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में स्टूडियो की जगह परफेक्ट होनी चाहिए, स्टूडियो का कलर परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में आई पोजिशन ऑफ मॉडल। अभी आई पोजिशन जो है बहुत मतलब पहले आजकल तो ऐसा हो गया है कि मेरे पास मोबाइल है, सेल्फी निकाल रहे, मैं इधर मुंह करके मेरी आंखें इधर तिरछी कर दूंगा, वो इतनी तिरछी कर दूंगा कि यहाँ से आंखें ये फाड़ के निकल जाएंगी, इतना तीचा ऐसा निकालना चालू हो गया, ऐसा एकदम ऐसा निकालो ऐसा चालू हो गया। तो हमारे जो आई पोजीशन है, हमारे आई की पोजीशन ऐसी होना चाहिए कि हमारे ब्लैक प्यूपिल के आजू बाजू से दोनों व्हाइट प्यूपिल दिखना चाहिए, सेंटर में ब्लैक प्यूपिल चाहिए, या तो साइड में तिरछा हो जाता है, ये साइड में तिरछा हो जाता है। 10 साल अगर पहले चले जाएंगे, 10 नहीं 10 12 15 साल अगर पहले चले जाएंगे और ऐसा फोटो किसी का देते थे तो वो फेंक देता था फोटोग्राफर के मुंह पे कि हमारी नजर तिरछी आ गई, लेकिन आज सेल्फी की वजह से वो तिरछी नजर के पास किसी का ख्याल ही नहीं जाता है। सही बात है अभी सही बात है। मतलब अभी पॉपुलर हो गया, तिरछी नजर पॉपुलर हो गई। तिरछी नजर पॉपुलर होगी, लेकिन एक्चुअली एक्चुअल पोर्ट्रेट में जो चाहिए तो ब्लैक प्यूपिल के आजू बाजू में व्हाइट प्यूपिल दिखना चाहिए, दोनों बाजू का, ना ना कि सही एक बात बाजू का, ठीक है। उसके बाद में मेरा एक आता है कैच लाइट। अभी थोड़ा सा मैं सबको थोड़ा सा और अलर्ट कर दूंगा, तो सब लोग जाग रहे कि नहीं, तो कैच लाइट क्या होता है और किसको बोलते हैं, कोई दोस्तों। बता कैच लाइट सकता क्या है? होता है, कोई बता सकता है क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैच लाइट और उसका क्या यूज है फोटोग्राफ्स में, अगर कोई बता पाए, या जितने लोग जानते हैं कि कैच लाइट क्या है वो अगर बता पाए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो इन सब चीजों को जो सर ने बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका स्टूडियो का आइडियल साइज क्या होना चाहिए, आपके वॉल का, स्टूडियो के अंदर वॉल का कलर क्या होना चाहिए, लेंस का मतलब जो है आई आई लेवल मतलब के लेंस का मेंटेन क्या होना चाहिए, तो उसके बाद जो इन्होंने बताया है कैच लाइट, व्हाट इज कैच लाइट, कोई अगर बता सकता है तो। चलिए बहुत अच्छा, एक किसी ने रिप्लाई किया है अभिषेक जी ने, के कहाँ गया, ओके।
शायद जो कमेंट्स है उसमें ऊपर चला गया। ओके, आंखों में लाइट वगैरह बता रहे सब लोग, कुछ लोग बता रहे। दोस्तों बहुत अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है और हम लोग भी चाहेंगे कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और आंखों में दिखने वाली लाइट सही, ओके, सॉफ्ट बॉक्स की जो फोटो आंखों में दिखती है, ओके, प्रेजेंस ऑफ स्यूडो लाइट्स एज ए स्पॉट इन द आई, मतलब आंखों के अंदर अगर हमने सॉफ्ट बॉक्स यूज किया है, अम्ब्रेला यूज किया है, या स्कीमर यूज किया है, जो भी लाइट सोर्स हम लोग यूज करते हैं उसका रिफ्लेक्शन अगर हमारी आंखों के अंदर मतलब के प्यूपिल के अंदर देखा जाता है उसको बोला जाता है कैच लाइट। बराबर है सब सर। ठीक है सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक बहुत से यू लोगों ने, वेरी मच, बहुत बहुत बढ़िया, सब लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। बहुत से आंसर सही है। और बढ़िया। कैच लाइट उसी को बोले जाता है कि जो हमारे ब्लैक प्यूपिल में आता है, जो डॉट आता है, जी जो हम लाइट डालते हैं उसका जो रिफ्लेक्शन दिखता है उसी को कैच लाइट बोलते हैं। ठीक है, कैच लाइट तो दिखता, कैच लाइट किसको बोलते हैं और क्या है, आप सबके समझ में आ गया। लेकिन अगर थोड़ा सा माइक्रो में जाएंगे तो ये कैच लाइट कहाँ होना चाहिए इसकी जगह भी फिक्स है। ओके okay. आपके ब्लैक प्यूपिल में ये कैच लाइट कहाँ होना चाहिए इसकी जगह फिक्स है, अगर बहुत माइक्रो टिप्स में जाएंगे तो। ठीक है, तो कैच लाइट कहाँ होना चाहिए, जो पिक्चर आएंगे जब मैं दिखाऊंगा कि कैच लाइट आपको कहाँ होना चाहिए, तो मेरे कुछ इमेज में शेयर करूंगा तो वो टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो कैच लाइट क्या है इतना तो सबको पता है, और कैच लाइट कैसा आना चाहिए वो भी पता है। लेकिन आजकल कैच लाइट कैसा आता है तो एक चौकोनी पूरा सॉफ्ट बॉक्स पूरे आंखों में घुस जाता है, वो ब्लैक तो दिखता ही नहीं, आधे से ज्यादा व्हाइट दिखता है। तो सही वैसा बात, भी नहीं आना चाहिए, वैसा भी नहीं आना चाहिए। कैच लाइट एक ऐसा बहुत प्यारा सा मीठा सा एक डॉट आना चाहिए, बारीक सा डॉट आना चाहिए। वो कैसा आएगा, सॉफ्ट बॉक्स यूज करने से तो नहीं आएगा, क्योंकि सॉफ्ट बॉक्स ही आएगा पूरा उसमें। ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा लाइट का स्टडी चाहिए, फिर आगे आएगा तो उसके साथ में हम जुड़ जाएंगे वापस। उसके बाद में आता है डिस्टर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी देखो ये मैं बोला, ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई है, तो डिस्टर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वही हो गया कि हम वाइड एंगल यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट में डिस्टर्शन आते जाएगा। उसके बाद में सबसे मेन आता है कंपोजिशन, हम क्या कंपोज कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं। पोर्ट्रेट को कंपोज करना भी बहुत बड़ी बात है, तो पोर्ट्रेट कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। बहुत से कंपोजिशन देखा मैंने, कभी कभी लैब में प्रिंटिंग के लिए जाता हूँ तो बहुत से लोगों का काम आता है तो मैं देख लेता हूँ। तो पोर्ट्रेट कंपोज कर रहे हैं तो पेट तक लिया जाता है, पेट के नीचे, उसकी पूरी पेट पूरा नीचे तक कंपोज किया जाता है, और सर के पास भिड़ा दिया जाता है, टेका दिया जाता है, ऊपर जगह नहीं छूटता और पेट तक ले लेते हैं, ऐसे कंपोज आते हैं। या तो फिर दूसरी चीज आती और आती है कि पोज तो इधर दे दिया, ये साइड में पोज दे दिया, पोज ये साइड में देने के बाद में इधर जगह छूट गया, इधर कम जगह छोड़ दिया और मेरे पीछे बहुत जगह छोड़ गया। तो अभी मैंने किसी का तो भी ये देखा हो कि ब्यूटी डिश से आंख आ सकता है, बराबर है, ब्यूटी डिश से कैच लाइट प्रॉपर आ सकता है आपके पास, बराबर है। ब्यूटी डिश जो है डॉट डालेगा आपको तो वो लाइट कंट्रोल हो जाता है। ओके, तो कंपोजिशन में कौन सा जगह ज्यादा छूटना चाहिए, कौन सा कम छूटना चाहिए, जिधर ऑब्जेक्ट देखता है, जिधर ऑब्जेक्ट की नजर रहती है उधर पॉजिटिव स्पेस रहता है, जिधर बैक रहती है उधर नेगेटिव स्पेस रहती है। कोई भी चीज लो आप, हमारे वर्ल्ड में से या तो हमारे ओरिजिन में से कोई भी चीज लो, हर चीज को एक फ्रंट है और एक बैक है। जिधर फ्रंट रहता है उधर ज्यादा जगह छूटना चाहिए, और जिधर बैक है उधर कम जगह छूटना चाहिए, तो उसको पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। ओके, और कंपोजिशन जो है, अगर आप हाफ फोटो कंपोज कर रहे हैं तो ये चेस्ट के थोड़ा सा नीचे छूटना चाहिए, पेट से ऊपर ही कट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो कंपोजिशन भी आगे कुछ इमेज आएंगे वो टाइम हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन के ऊपर भी। ठीक है, ये हो गई थोड़ी सी पोर्ट्रेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें करना ही करना है, जो चाहिए चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो मेरा ख्याल है सबके ये ख्याल में आ गया होगा, ये चीजें सबके ख्याल में आ गई होंगी, जी और सर, सब लोग इसको थोड़ा ध्यान में देख कर आगे काम करेंगे। ठीक है सर, आगे जाते हैं। अभी हम लोग पिक्चर तो निकाल लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, लेकिन कोई पिक्चर मिड की, हाई की, मिडल की, ये सब की रहती है, ये बहुत से जनों को इसका नॉलेज नहीं है, पता नहीं। एक्चुअली ये चीज भी हमारे फोटोग्राफी में से नहीं है, ये चीज आई है पेंटिंग से, ड्राइंग कॉलेज से आई है, मतलब चित्रकार लोगों से आई है। तो मिड, हाई की, मिड की और लो की, ये चीज क्या होती है। हाई की बोले तो
जो पिक्चर में, जो ओवरऑल पिक्चर में व्हाइट कैनवास के ऊपर खाली एक 18% 20% ब्लैक यूज करके पिक्चर बनाया, तो उसको हाई की पिक्चर बोलते, जिसमें बहुत ब्राइट रहता है, ज्यादा से ज्यादा ब्राइट। तो ये पिक्चर जो रहते हैं चीयरफुल रहते हैं, थोड़े से पूरा चीयरफुल रहता है। मिड की जो रहता है जिसमें 50% ग्रे ब्लैक आता है और 50% व्हाइट आता है, तो वहां मिडल की आ जाता है। और बाद में जो लो की आता है पूरे ब्लैक कैनवास के ऊपर कम से कम व्हाइट से हमारा पिक्चर बनता है, उसको हम लो की बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मेरे पास है। तो देखिए ये जो पिक्चर है ये पूरा हाई की वाला पिक्चर है, हाई की पिक्चर पूरा ब्राइट, पूरा व्हाइट कैनवास है, ब्लैक जो है कितना कम से कम यूज हुआ है, तो इसको हम हाई की पिक्चर बोलेंगे। ये चीयरफुल है, तो ये लाइटिंग जो है हम बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, बच्चों के पिक्चर में ये ज्यादा अच्छा चलता है। बाद में आता है मिडल की, मिडल की बोले तो जिसमें 50% ब्लैक है और 50% ग्रे है। फिर आता है लो की, जिसमें खाली ब्लैक कैनवास के ऊपर कम से कम व्हाइट यूज करके पिक्चर बनाया, हो गया व्हाइट की, मिड की और लो की। लो की में क्या होता है, ड्रामेटिक लाइटिंग होता है, जो आप हम बहुत से बार सुनते हैं ना, ड्रामेटिक लाइटिंग, ड्रामेटिक लाइट। तो ड्रामेटिक लाइटिंग कब होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक रहेगा और कम से कम व्हाइट रहेगा, वहां ड्रामेटिक लाइट क्रिएट होता है। अभी देखो ये लाइट के थ्रू हमने पिक्चर बनाए हुए हैं, हाई की में पिक्चर बनाया, मिड की में बनाया और लो की में बनाया। उसके बाद में क्या आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोर्ट्रेट लाइटिंग। वापस एक बार सबके लिए क्वेश्चन है मेरा कि पोर्ट्रेट लाइटिंग जो है कितने टाइप की कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ पोर्ट्रेट लाइटिंग, क्या बोल सकते हैं कुछ? दोस्तों हम लोग कितने प्रकार की पोर्ट्रेट लाइटिंग कर सकते हैं, तो सर का एक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आता है, आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सीखा होगा या किसी दोस्त ने बताया होगा, तो आप ये यहाँ पे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, किसी ने 3 टाइप लिखा है, 7 टाइप लिखा है, 4 टाइप लिखा है, 3 टाइप आया है, 6 टाइप किसी ने लिखा है। ओके ठीक है, कोई 1 1 टाइप, 8 टाइप भी लिखा है। देखिए दोस्तों, थैंक यू, आप सब लोगों ने बहुत से मुझे, कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट लाइट के नाम भी डाल दिया, लूप लाइट, स्प्लिट लाइट वगैरह सब। चलो तो अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। जाग जाग रहे सब, जाग रहे। तो ठीक ठीक है, लोगों ने बहुत से लोगों ने कुछ लोगों ने जिसने 6 टाइप लिखा है, जिसने 6 टाइप लिखा है वो हाथ ऊपर करे। एक ही आदमी ने 6 टाइप लिखा है, एक ही किसी ने तो भी 6 टाइप लिखा है, तो उसको ये जो 6 टाइप है ये पता है क्या? 6 टाइप तो लिखा है लेकिन वो 6 टाइप क्या है पता है क्या सब उसको? चलो 6 टाइप जो है, जिसने वापस मेरे करके आरुष गैलरी करके उन्हें डाला है, और 6 टाइप जो लिखा है कुणाल साहू साहब है, उन्होंने लिखा है, और वो उसके नाम भी शायद उनको पता है। आगे मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोर्ट्रेट लाइटिंग। तो ये पोर्ट्रेट लाइटिंग 6 टाइप की होती है। अभी देखो दोस्तों, दूसरा कोई भी आदमी कितने भी लाइट यूज करके और कितने भी टाइप की लाइट बना सकता है, लेकिन बेसिक जो है 6 टाइप है। ये 10 भी हो सकते हैं, 100 टाइप की भी लाइटिंग कोई कर सकता है कि मैं ये टाइप की कर लिया, ये मेरा क्रिएटिव है, तो वो उसके नाम से क्रिएटिव है। लेकिन जो बेसिक लाइटिंग है वो है 6 टाइप की, 6 टाइप ऑफ लाइट। अब ये 6 टाइप क्या क्या है देखिए, 6 टाइप ऑफ पोर्ट्रेट लाइटिंग। इसमें पहला आता है रेमरेंट लाइट, या तो 40 फीट 45 डिग्री लाइट, रेमरेंट पोर्ट्रेट लाइट या तो 45 डिग्री लाइट। उसके बाद आता है सिंगल लाइट पोर्ट्रेट, एक ही लाइट से बनाया पिक्चर। उसके बाद आता है शॉर्ट एंड ब्रॉड लाइट। उसके बाद आता है प्रोफाइल लाइट। उसके बाद आता है स्प्लिट लाइट। अभी ये 6 टाइप का लाइटिंग बनाने के लिए आपको लाइट का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। ओके तो उसके लिए लाइट के बारे में आपको जाना, सॉरी 6 टाइप आ गया, बटरफ्लाई लाइट, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। 6 टाइप के लाइट करने के लिए लाइट का नॉलेज होना चाहिए कि लाइट हम कैसा कर सकते हैं।
तो लाइट का नॉलेज लेने के लिए लाइट के बारे में पूरा पता होना चाहिए, अबाउट लाइट। तो लाइट के बारे में क्या है कि लाइट के बेसिक लॉज है, लाइट के बेसिक लॉज है, जिनको अच्छा पढ़ना है, जिसको इंग्लिश अच्छा समझता है वो नेट से भी ले सकते हैं, लेकिन इसको लाइट के बेसिक थ्री लॉज होते हैं। ये थ्री लॉज यहाँ अपने को एक्सप्लेन करने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, कि हर लॉ को एक्सप्लेन करना है तो 2 से 3 घंटा लग जाएंगे, लेकिन जो नेट पर पढ़ सकते हैं तो बेसिक लॉज जो है लाइट के आप वहां से पढ़ के समझ सकते हैं। तो इसमें है साइज और सॉफ्टनेस, क्या साइज का लाइट, पहला लॉ जो है साइज और सॉफ्टनेस, क्या साइज का लाइट रहा तो सॉफ्ट होता है और क्या साइज का लाइट रहा तो हार्ड होता है, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट करने के लिए एक लॉ है साइज एंड सॉफ्टनेस। उसके बाद में आता है डिस्टेंस एंड सॉफ्टनेस, डिस्टेंस कम ज्यादा करने से सॉफ्टनेस बढ़ता है कम होता है, ऐसा लॉ है। उसके बाद में आता है डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, ये सबको पता है कि लाइट पास में लेके जाए तो ब्राइट होता है, लाइट दूर ले जाए तो डल हो जाता है। तो डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी ये थर्ड लॉ है। ये तीनों लॉ आप नेट से समझ लो, या तो ये समझाने के लिए बहुत टाइम मतलब जाता है कि 2 से 3 घंटा उसी को समझाने में जाएगा, और वो प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छा पढ़े समझ सकते हैं, कि प्रैक्टिकली जब करके दिखाएंगे तो वो लाइट ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं आप लोग। तो ये इसके लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो ये तीन लॉज है, इसका स्टडी आपको आना चाहिए। अभी रेम्ब्रांट लाइट देखते क्या है। तो रेम्ब्रांट लाइट का ये एग्जांपल है मेरे पास। ओके, रेम्ब्रांट लाइट में क्या आना चाहिए, रेम्ब्रांट लाइट में देखो रेम्ब्रांट लाइट में जहां जिस साइड आपने पोज दिया है, जो बाजू में आपने पोज दिया है, जिस तरफ मॉडल आपका देख रहा है, उस साइड से 45 डिग्री से हम एक लाइट डालेंगे। अभी देखो बराबर है, किसी ने ट्रायंगल लिखा है तो ये अपोजिट चीक के ऊपर ये ट्रायंगल आना चाहिए। ये देखो ये जो ट्रायंगल है ये अपोजिट चीक के ऊपर ये ट्रायंगल बनना चाहिए, तो रेम्ब्रांट लाइट परफेक्ट बनता है। अगर ये ट्रायंगल बनता है बनाते आता है तो आपका पिक्चर रेम्ब्रांट लाइट में बन जाता है। ठीक है, अभी मेरे आप सबसे और एक बात पूछना चाहता हूं कि स्टूडियो के लिए या पोर्ट्रेट लाइट के लिए कितने लाइट की जरूरी है। सब लोग एक बार फिर मुझे आंसर दे दीजिए कि आपके स्टूडियो में कितने लाइट होना चाहिए। तो बहुत अच्छा सवाल है कि अगर हमें स्टूडियो प्रॉपरली अच्छे तरीके से ऑपरेट करना है और अच्छी फोटोग्राफी करनी है तो कितने लाइट्स होने चाहिए। कई लोग बता रहे 3, कई लोग बता रहे 4, कोई कोई 5 भी बता रहे हैं। 6 लाइट तो होना चाहिए कम से कम। ओके ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए क्या होता है, सबने बराबर कुछ 4, 5, 6 सब लोग बता रहे हैं, डिजिट है तो डिजिट डाल रहे सब लोग अपने हिसाब से। तो मैं सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि स्टूडियो के लिए कम से कम 4 लाइट की जरूरत है, कम से कम 4 लाइट होना। उसके ऊपर आपके पास 10 भी रहे तो चलेंगे, 15 भी रहे तो चलेंगे, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो कम से कम 4 लाइट चाहिए। अभी ये 4 लाइट कौन से होते हैं, अभी हमारे पास क्या होता है, एलिनक्रोम ने 2 लाइट का किट बनाया तो हम 2 ही खरीद के लाते हैं। मैक्सिमम 90% स्टूडियो में 2 ही लाइट रहते हैं, बराबर है। एलिनक्रोम ने 2 लाइट जी बराबर 2 ले आएंगे। बराबर है ना दीपक जी, 2 लाइट का किट बनाया एलिनक्रोम ने, किट बनाया 2 लाइट का, तो हम 2 ही खरीदेंगे ना, 2 ही लेंगे। वो 3 का बनाते तो 3 ले लेते, 3 का मानते तो 3 ले लेते हम लोग तो। लेकिन हमें चाहिए कितना ये हमें को पता नहीं है, चाहिए कितना तो ये हमें नहीं आइडिया। तो कम से कम 4 लाइट चाहिए। अब ये 4 लाइट क्यों चाहिए, मैं बोला ना कि वाई, आप मुझे वाई बोलना चाहिए कि ये 4 लाइट आप क्यों बता रहे भाई, क्यों दो में क्यों नहीं होता। तो 4 लाइट इसलिए चाहिए सर कि देखो 4 लाइट को भी नाम है, हर लाइट को एक नाम है अपना। एक आता है पहला की लाइट, दूसरा आता है फील लाइट, तीसरा आता है कट लाइट, और चौथा आता है बैकग्राउंड लाइट।
ये चार लाइट अपने को कम से कम चाहिए, और सही। ये चार लाइट फोटो में भी दिखाना दिखाते आना चाहिए कि ये मेरे फोटो में मैंने ये चार लाइट डाले है करके, ये यूज किया है फोटो में यूज किया है, वो फोटो में दिखना चाहिए सर, आपके पिक्चर में यूज दिखना है, चाहिए। उसका बेनिफिट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लगा देना है, जो हम लोग हाँ चार लाइट यूज कर रहे हैं उसका एक परफॉर्मेंस है, और उससे जो हमारा फोटो बनता है उसमें उसकी हाँ इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखती है। मतलब हर चीज का इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि चार हमने दो किट ले लिया, एलिंक्रोम ने दो दो बना दी तो चार लगा के यूज कर रहे, वैसा नहीं है, इट्स इम्पोर्टेंट बराबर थिंग्स ये सर। बराबर है। अभी ये जो पिक्चर मेरा सामने दिख रहा है इसमें मैंने कितना लाइट यूज करा है, तो अभी मैंने बताया चार लगते तो सब लोग चार बताएंगे मुझे कि आपने इसमें चार लाइट यूज कर दिया करके, है ना। तो लेकिन चार लाइट दिखते भी आना चाहिए, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन नहीं, क्योंकि नहीं तो मैं पूछता था कि चार लाइट बता दो कहाँ से आ रहे करके, है ना सर। जी 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 तो हाँ, तो अभी इतना प्रैक्टिकल ना, इतना डीप नहीं जा सकते, तो चार लाइट जो है, एक लाइट जो है मैंने अपने राइट साइड से, जो पहला की लाइट है वो मेरा की लाइट यहाँ से यहाँ तक आया है, देखिए सर ये मेरा की लाइट है, बराबर है, दिख रहा सबको की लाइट मेरा, ये मेरा की लाइट है, समझ में आ रहा है सबको कि मैंने पहला लाइट कहां से डाला है, ठीक है। अगर मैं जी ये की लाइट डालता हूं, मेरा एक लाइट दिखा, अभी मैंने पहला एक लाइट दिखाया, मैंने बोला ना चार लाइट दिखाना चाहिए, मैंने एक लाइट दिखा दिया, ओके। और मेरा जो दूसरा लाइट है जो मैंने कट लाइट के लिए यूज किया, ये मेरा कट लाइट यहां से यहां तक है, ये कट लाइट है, बराबर है, ये कट लाइट है, ओके। अभी कट लाइट हो गया, की लाइट हो गया, ओके। मैंने बोला था एक लाइट बैकग्राउंड में चाहिए, ओके, ये जो मेरे बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड में जो हेलो दिख रहा है, ये जी मेरे बैकग्राउंड में जो हेलो दिख रहा है, ये मेरा बैकग्राउंड लाइट का चौथा लाइट है, बराबर है, तीसरा लाइट है, सॉरी, मैंने अभी तक आपको तीन लाइट दिखाया, एक की लाइट दिखाया, ये वाला की लाइट दिखाया, ओके, ये वाला कट लाइट दिखाया, और मैंने तीसरा लाइट दिखाया जो बैकग्राउंड का है। अब मुझे चौथा लाइट कोई बता सकता है कहाँ डाला है? वेरी नाइस। मेरा चौथा लाइट कोई बता सकता है कहाँ डाला है? तो दोस्तों थोड़ा चलो, ये आपके लिए सा बहुत अच्छा ओपन क्वेश्चन है कि जैसे सर ने बताया कि राइट साइड से उनका जो फेस है, जो सब्जेक्ट का फेस है, उसको प्रॉपरली ब्राइट करने के लिए उन्होंने की लाइट आई यूज किया है। दूसरा लाइट जो कान से थोड़ा सा ला गर्म पाटन में था, लाइट आता है, जो उन्होंने अपने बहुत अच्छे से जो है कट लाइट के लिए यूज किया है। ऑफकोर्स तीसरा लाइट बैकग्राउंड पे दिया है ताकि बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से ब्राइट मिल रहा है। एंड वेयर इज द फोर्थ लाइट, चौथा लाइट सोर्स सर ने कहाँ से यूज किया है? ओके, कई लोग लिख रहे हैं फिल लाइट, कई लोग बोल रहे हैं टॉप लाइट, मतलब टॉप से दिया है, ओके, लेफ्ट साइड से दिया है, ओके। सर आप पढ़ रहे हो ना हाँ ये हाँ हाँ आंसर? हाँ 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 ठीक है, थैंक यू वेरी मच सबको, थैंक यू सर। बहुत से लोग अच्छा बता रहे कि जो चौथा जी लाइट है वो फील लाइट है, जो जी हमें फील दिखता नहीं है, बराबर है। हाँ अगर फील लाइट नहीं डालते तो ये जगह है हमारा, देखिए हाँ जो मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं फील लाइट नहीं डालता तो ये जो जगह है मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये पूरा ब्लैक हो जाता, ये ब्लैक सही हो बात। जाता। तो चौथा लाइट जो है वो फील लाइट है हमारा, फील डाले सिवाय आपका पिक्चर जहाँ शाडोज है वो फील नहीं, फील लाइट इसलिए यूज करते कि जो खाली शाडोज को फील करे, सही बात फील है। लाइट, हाँ फील लाइट यूज होता है शाडोज को फील करने के लिए। तो और हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप में अपन ये भी बताते कि ये जो फील लाइट है, ये फील लाइट हर आदमी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकता है, ये शाडोज मुझे ज्यादा डीप चाहिए तो मैं डीप रख सकता हूँ, ये शाडोज मुझे सॉफ्ट चाहिए तो मैं उसको सॉफ्ट कर सकता हूँ। तो हम लोग फील लाइट को नमक की तरह यूज कर सकते हैं, जो सब्जी सही में बात नमक है। यूज होता है अपने अपने हाँ टेस्ट के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं, तो सही फील बात लाइट अपने टेस्ट के हिसाब से यूज होता है, ठीक है सर। तो जी सर। ये हमारा पहला रेमरेंट लाइट है, रेमरेंट लाइट आने के बाद में बाकी के लाइट सब इजी है और सबको आ जाते हैं बाद में, ओके। चलो आगे जाता हूं, सिंगल लाइट पोर्ट्रेट, इसमें सब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, एक ही लाइट डाला है और दूसरे बाजू से बाउंस करके
फील किया है। अभी फील लाइट यहाँ खाली लाइट फील करने के लिए यूज हुआ है, तो बाउंसर या रिफ्लेक्टर लेके खाली फील हो गया, एक ही लाइट से फोटो निकाल रहे और वही लाइट बाउंसर या फिल्टर रिफ्लेक्टर पे लेके फील कर दिया और सिंगल लाइट पोर्ट्रेट हो गया। उसके बाद में आता है शॉर्ट लाइट। शॉर्ट लाइट का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? शॉर्ट लाइट में जो होता है ना, जिसका जो हेल्दी आदमी है, जिसका ओबेसिटी ज्यादा है, जिसका मुंह ज्यादा बड़ा है, उसको हम ये शॉर्ट लाइट डाल के उसको थोड़ा स्लिम दिखा सकते हैं। ये शॉर्ट लाइट का इसके लिए बेनिफिट होता है, इसके लिए थोड़ा साइड पोज ज्यादा दिया जाता है। पहले रेम्ब्रांड के लिए जितना साइड पोज दिया था उससे थोड़ा ज्यादा साइड पोज दे के उसको जो 45 डिग्री लाइट है वो थोड़ा और वो साइड से दे के उसका फेस स्लिम किया कर सकते हैं, उसका फेस हम उसे स्लिम कर सकते हैं, इसलिए उसको शॉर्ट लाइट बोला जाता है। उसके बाद में आता है ब्रॉड लाइट। ब्रॉड लाइट में क्या होता है कि हम थोड़ा सा की लाइट अपोजिट साइड से डाला है, जिस जे साइड से पोज दिया उसके अपोजिट साइड से की लाइट डाला है तो ब्रॉड लाइट क्रिएट हो जाता है। ये ब्रॉड लाइट की वजह से जो आदमी क्यूट है, स्लिम है, उसका फेस थोड़ा ब्रॉड दिखता है, तो उसको हम ब्रॉड लाइट बोलते हैं। उसके बाद में प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट के लिए पोज दिया जाता है पूरा प्रोफाइल एक बाजू से। प्रोफाइल लाइट में उसके नोज के वो साइड से कुछ भी नहीं दिखता है, उधर की आग भी नहीं दिखना चाहिए, तो इसके प्रोफाइल लाइट बोले जाता है। और प्रोफाइल लाइट ये 45 डिग्री नहीं तो 90 डिग्री से दिया जाता है। आप 90 डिग्री से जो लाइट देते हैं उसे प्रोफाइल लाइट बोलते हैं। ओके, प्रोफाइल लाइट हम इतना आर्टिस्टिक बना सकते हैं कि पूरा ब्लैक में खाली एक प्रोफाइल की लाइन बना सकते हैं, इतना आर्टिस्टिक हम प्रोफाइल लाइट बना सकते हैं। उसके बाद में आता है स्प्लिट लाइट। स्प्लिट लाइट है ना, स्प्लिट लाइट उसके वर्ड में उसका मीनिंग है। स्प्लिट लाइट बोले तो फेस के दो पार्ट कर देना, एक पार्ट लाइट में रखना, एक पार्ट शाडो में रखना, तो इसको स्प्लिट लाइट बोलते हैं। उसके बाद में आता है बटरफ्लाई लाइट। बटरफ्लाई लाइट बहुत लोगों ने सुना है, बटरफ्लाई लाइट ज्यादा करके फॉरेनर लोग ज्यादा यूज करते हैं, यूएस वाले, क्योंकि वो लोग मूंछ नहीं लगते। तो ये बटरफ्लाई लाइट के लिए अपने नोज की जो शाडो है वो नोज की शाडो बटरफ्लाई की जैसी आ जाती है, नोज की शाडो, तो उसको बटरफ्लाई लाइट बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ थोड़ी शाडो कम आई है लेकिन नोज के नीचे एक शाडो क्रिएट होती है, वो बटरफ्लाई की जैसी होती है, उसको बटरफ्लाई लाइट बोलते हैं। ओके, ये 6 टाइप के लाइट मैंने आपको बताए, आपको थोड़े समझ में आए होंगे सब लाइट, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बारे में और कुछ पूछना है तो अपन लास्ट में उसको डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में मैं आपको कुछ पिक्चर शेयर करूंगा मेरे, और उसके बारे में जिस कुछ जो बोलना है वो बोलते जाऊंगा थोड़े बहुत। तो ये सब पिक्चर है मैं आपके साथ, मेरा मतलब टेक्निकली जो पार्ट था वो खत्म हो गया, जो बताना था वो, अभी मैं खाली कुछ इमेज शेयर करूंगा, उसके बारे में जी थोड़ा सा डिस्कशन करते जाऊंगा। सर किसी को कुछ पूछना है तो अपन लास्ट में लेंगे ना ये सब? जी सर, जी सर। हाँ तो फिर सर, उससे मैं पहले अभी मैं एक दो मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, जब तक आप दूसरे पिक्चर्स बताइए। 1 मिनट आपके लिए थोड़ा सा ब्रेक भी है। दोस्तों कई सारे लोग हैं जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी लोग नए हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हम लोग चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम लोग अच्छे अच्छे सब्जेक्ट को लेके आए और आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो है नॉलेज शेयर करें, और हमारे पूरे देश से अच्छे मेंटर को आपके पास लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी चीजें सीख पाओ, देख पाओ। आज हमारे साथ है नासिक से मिलिंद देशमुख सर, जो काफी अच्छे वो क्रिएटिव आर्टिस्ट है, इनके स्टूडियो पे मैं जा चुका हूँ। ये इतने अपने काम के प्रति लगाव रखते, मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने उनका प्रिंटिंग का भी खुद का एक बहुत बड़ा प्रिंटर लेके रखा था। मैं फॉर नाम तो उनके साथ कैनन का प्रिंटर था उनके पास, 80 इंच या ऐसा बड़ा प्रिंटर उन्होंने लगा के रखा था कि मैं जो चाहता हूँ फोटोग्राफी करना वही प्रिंट में आना चाहिए। मतलब के आर्टिस्ट लोग इतने अपने काम के लिए कॉन्शियस होते हैं कि उसमें कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो दोस्तों ये एक नजरिया होता है आर्टिस्ट का, उन्होंने बताया अपना वर्किंग स्टाइल, स्टूडियो का साइज क्या होना चाहिए, उसके अलावा कलर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लाइट्स कितने होने चाहिए, हर चीज बारीकाई से बताया। दोस्तों ये हमारा जो वेबिनार, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, तो इसके साथ साथ जो लोग चाहते हैं कि हम आपको नेक्स्ट वेबिनार की लिंक डायरेक्ट आपको दे, तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन वेबिनार, तो ये नीचे नंबर दिया गया है वहां पर आपको व्हाट्सएप करना है।
फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हो, अभी आपको वेबिनार रोकने की जरूरत नहीं है। और जब आपको चाहिए कि जो भी, और अच्छा दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई अच्छा मेंटर है और अच्छी उनके पास चीजें टेक्निक्स है दिखाने के लिए, तो उनका भी नाम, नंबर और उनकी प्रोफाइल शेयर करिए, हम उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे लाएंगे ताकि हमारे भारत के पूरे देश के फोटोग्राफर उनको देख पाए, उनके काम को देख पाए, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे के सारे फोटोग्राफर्स जो है ये सब चीजें करें। और अगर आपको पर्सनल लिंक चाहिए तो ये नंबर को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसमें हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग शुरू करते हैं फिर से मिलिंद देशमुख सर के साथ। यस सर, प्लीज सर। ओके, थैंक यू सर। अभी मैं आपको मेरे कुछ इमेजेस है वो शेयर करूंगा। उसका जो लाइटिंग है वो सब मैंने जहां तक आपको बताया वो सब इसमें यूज करके बनाया है। अभी देखो, छोटे बच्चों को तो हम एक जैसा बैठा सकते नहीं, उसको लाइटिंग कर सकते नहीं, लेकिन एक बेसिक लाइटिंग हमने स्टूडियो में सेट करके रख दिया और बच्चा फिर किधर भी घूमे किधर भी चले तो एक अपने को अच्छा लाइटिंग मिल जाता। तो इसमें फिक्स नहीं रहता कि मैंने इसको ये लाइट करना है और वही मिलना चाहिए। इसको क्या है, बच्चों को किसी को रेमिडेंट मिल जाता है, किसी को प्रोफाइल मिल जाता है, किसी को बटरफ्लाई मिल जाता है, ये अपने आप एक लाइटिंग मिल जाता है। आप एक बेसिक लाइटिंग अपने स्टूडियो में सेट करके रख दिया तो ये सब बच्चों के फोटो है। सबसे पहले बच्चों के फोटो जो है वो उनके एक्सप्रेशन और मूड पे चले जाते हैं। उनके एक्सप्रेशन और मूड अच्छा है ना तो उनको कोई लाइटिंग की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बच्चे अपने आप में एक खूबसूरती रहती है, अपने आप में एक ब्यूटीफुलनेस रहता है, तो उनको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खाली उनके एक्सप्रेशन, मूड, उनका स्माइल अच्छा आना चाहिए। ये देखो, इसको कुछ नहीं करा तो उसका एक प्रोफाइल लाइटिंग मुझे मिल गया। स्माइल अच्छा मिल गया तो पिक्चर के लिए कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। ये भी एक्सप्रेशन, मूड अच्छा आ गया तो पिक्चर अच्छा बनते गया। ओके, सर हाउ टू सेट बेसिक। ओके, तो जो मैं किसी ने मुझे अभी तक अभी बीच में पूछा था कि हाउ टू सेट बेसिक लाइटिंग, तो बेसिक लाइटिंग जो है ना, तो एक रेम्ब्रांट लाइट की जो लाइटिंग है वो करना चाहिए। एक 45 डिग्री में की लाइट रखना चाहिए और एक फील लाइट रखना चाहिए, एक कट लाइट देना चाहिए। ये आपकी बेसिक लाइटिंग हो जाती है और ये बेसिक लाइटिंग के ऊपर ही आपको बहुत से पिक्चर्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये पिक्चर भी पूरा पूरा मूड के ऊपर चला जाता है। आप उसको एक्सप्रेशन, मैंने बोला ना कि वो मॉडल के साथ में ट्यून हो जाओ, उससे बात करो, उससे उसके साथ हंसो बोलो, तो आपको बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आगे मिलते जाएंगे। ओके, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट। देखो ये रेम्ब्रांट लाइट का, आज मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा सर, जो आगे वाले फोटो तो फिर से दिखाएंगे सर, बहुत अमेजिंग जो पोर्ट्रेट्स है, बहुत जो बच्चों के दो पोर्ट्रेट्स है सर। आपने कितना डिस्टेंस रखा था, बस ये जो नेक्स्ट इसके बाद वाले, ये वाला, हाँ, ऑन एवरेज आप कितना स्पेस रखते हो, मतलब कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, और कैमरा सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में ओवरऑल आप कितना डिस्टेंस मेंटेन करते हो ज्यादातर? ओके सर, मैंने तो पहले बता दिया था कि मुझे बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में 6 से 7 फीट का डिस्टेंस चाहिए। ओके, हाँ, तो मेरा बैकग्राउंड वो हिसाब से ब्लर होएगा, नहीं तो एक्चुअल क्या होता है सर, आजकल क्या होता है ना, हमारे स्टूडियो में कस्टमर आता है ना सर, तो वो खुद भी जाके पर्दे को जाके चिपक के खड़ा रह जाता है। हाँ। उसको मालूम है इधर ही खड़ा रहना पड़ता है अपने। ओके, उसको क्योंकि हमारे स्टूडियो में जगह नहीं रहता है तो वो क्या करता है, वो जाके पर्दे को जाके चिपक के खड़ा रह जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब फोकस लगता है सर, और हमारे पास ना बहुत बड़े बड़े लाइट लग जाते हैं, 600 वाट के मास्टर लाइट लगा देते है ना, तो वो मास्टर लाइट कंट्रोल करने के लिए हमारा एपर्चर आ जाता है 8-11, यहाँ तक एपर्चर आ जाता है। तो उतना एपर्चर रखने के बाद में क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट और वो पर्दा दोनों शार्प आ जाते हैं, वो पर्दे का टेक्सचर भी शार्प आ जाता है, पर्दे का टेक्सचर भी शार्प आ जाता है पूरा। जी जी जी। तो इसमें वो ऐसा होता है ना सर कि मैं पिक्चर देखूं या मेरा बैकड्रॉप देखूं। ओके, सही बात है, मतलब हमारा इम्पोर्टेंट पोर्ट्रेट है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए। हाँ, मैं भी देखो सर, अभी जैसा डिस्कशन होते जाएगा तो वो छोटी छोटी बातें आगे आते जाएंगी कि देखो मेन जो सब्जेक्ट है हमारे पोर्ट्रेट का फेस है, हमारे ऑब्जेक्ट का फेस है, उसके बाद में उसका फेस, उसके फेस में भी उसकी आंखें है,
पहली बार उसके आंखें दिखना चाहिए, आंखों से ज्यादा ब्राइट कुछ नहीं होना चाहिए। सही बात है। अगर हाँ आंखें, उसके बाद में उसका फेस, उसके बाद में उसके कॉस्ट्यूम कपड़े, उसके बाद में बैकड्रॉप, सही बात है। तो ये ग्रेडेशन है सर, ये सिक्वेंस है कि पहला आए आंखें, उसमें फेस, उसके बाद में कॉस्ट्यूम, उसके बाद में बैकड्रॉप। तो हमारे यहाँ उल्टा होता है सर, हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ पहले बैकड्रॉप दिखता है, फिर उसके बाद में हमारा कस्टमर बोलता है नहीं हरे कलर की साड़ी पहना है, तो साड़ी आना ही चाहिए, साड़ी दिखना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए। साड़ी बराबर दिखना चाहिए, या तो मैंने जोधपुरी पहना है तो वो कलर वो पहले दिखना चाहिए। सभी तो ये का जो साड़ी है वो दिखना ही चाहिए, 50,000 का साड़ी। हाँ तो ये हमारे यहाँ सिक्वेंस उल्टा चल रहा है सर, पहले बैकड्रॉप बोलते हैं, हमारे हमारे फोटो के पीछे एक वाटरफॉल आना चाहिए, वाटरफॉल आना चाहिए, या तो ये झाड़ी वाड़ी आना चाहिए, या तो बेली आना चाहिए, है ना। तो उल्टा चल रहा है, बैकग्राउंड पहले आता है, फिर कपड़े आता है, फिर उसके बाद में फेस के ऊपर ख्याल दिया जाता है, फिर आंखों की तरफ तो कोई ख्याल ही देता नहीं, आंखें तिरछी तारची कैसी भी रही तो चल जाती। तो ये उल्टा सीक्वेंस है। तो पहला सीक्वेंस क्या है कि हमारे पहला हमारा कॉन्सेंट्रेशन जाना है आंखों के ऊपर, सेकंड फेस के ऊपर, थर्ड फिर कपड़े, और फोर्थ जाता है बैकड्रॉप के ऊपर। तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो ये करने के लिए बैकड्रॉप और ऑब्जेक्ट के बीच में आपका जो पेशन था, बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में 6 से 7 फीट का डिस्टेंस चाहिए, तो आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। सही बात है। हाँ आपकी बेबी बहुत स्मार्ट है और उसका बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना सकता हूँ मैं। अंकल जोर फोटो पड़ा हो जो हाँ बोल रही है उसको बहुत अच्छा लगता है, सब चलता रहता है तो उसको भी हर दिन आती है और इन्वॉल्वमेंट देके जाती है। तो आपका जो क्वेश्चन है ये बात है, सेकंड आपने वही क्वेश्चन में मुझे पूछा था कि बैकड्रॉप और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा था, उसके बाद में पूछा था ऑब्जेक्ट और कैमरे के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो जी सर, ऑब्जेक्ट और कैमरे के बीच में का डिस्टेंस तो हम नहीं फिक्स करेंगे, अगर हम 70 mm 80 mm यूज करेंगे और हमें जितना चाहिए उतना हमें पीछे जाना पड़ेगा, सही बात है। तो वो डिस्टेंस जो है वो हमारे कैमरे जहां बैठेगा वहां पर डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। तो वाइड एंगल में तो ये बात नहीं होएगा आपको, 85 mm सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट के लिए लेंस है, सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट के लिए लेंस है 85 mm। जी सर, 85 mm अभी जो सिग्मा का लेंस चल रहा है बहुत अच्छा लेंस है, 85 mm 1.4 आर्ट लेंस, बहुत बढ़िया लेंस मेरा है। भी फेवरेट है, अमेजिंग हाँ जी लेंस है, बहुत अमेजिंग बहुत लेंस है, अच्छा, मतलब उसका तोड़ नहीं है नहीं अभी कोई ऐसा। तोड़ नहीं वो लेंस का, कोई तोड़ नहीं, क्योंकि कैनन और निकॉन के दोनों लेंस देखा तो उनके बैरल इतने छोटे छोटे हैं और हाँ, इसका बैरल इतना बड़ा बैरल है ऐसा। वो पहली बार जब कोई आदमी देखता है तो उसको लगता है बहुत हैवी है, लेकिन जब बहुत उसको हैवी कैमरे है, पर लगा के जब शॉट बनाते हैं और मतलब इतने शानदार उसकी जो कलर्स आते हैं, उसकी शार्पनेस, डिटेलिंग, मतलब कि सीधा अगर आपने सॉफ्ट बॉक्स यूज किया है तो सॉफ्ट बॉक्स आपको इमेज सॉफ्ट दिखेगा, लेकिन हाँ फेस के ऊपर टेक्सचर्स है, पिंपल्स है, या जो भी चीज है वो 100% परफेक्ट है, बहुत अच्छे परफेक्ट तरीके से मिलते इसको परफेक्ट बनाया मिलते। गया है। जी सर, अभी दो बच्चों को अच्छा पोज दे दिया तो वो हिसाब से उसका उनको थोड़ा, इनको कोई ज्यादा लाइटिंग नहीं किया, एक सॉफ्ट लाइटिंग होगा, लेकिन उनका पोजिंग और एक्सप्रेशन की वजह से वो अच्छा लग रहा है हमें एक्चुअली सही पिक्चर। बात है। अभी ये जो है ये रेम्ब्रांट लाइट का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप इसमें देखिए, और रेम्ब्रांट लाइट का एग्जांपल देख, जहां जी जिस तरफ वो लेडी वो बच्ची देख रही है उसके अपोजिट चीक के ऊपर ये ट्रायंगल क्रिएट हो गया, देखो ये ट्रायंगल क्रिएट हो गया, जी ये बहुत बढ़िया ट्रायंगल क्रिएट हो गया। ये मैंने बताया था कि कैच लाइट कहाँ आना चाहिए और कैच लाइट की जगह फिक्स है और कैच लाइट कितना छोटा आना चाहिए, इतना पॉइंट आना चाहिए कैच लाइट का, ये पॉइंट कैच लाइट का क्रिएट होना चाहिए, इतना इतना पॉइंट, इतना परफेक्ट कैच लाइट आपको मिलना चाहिए। दिख रहा है सबको, मैं दिख रहा हूँ जो, दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है। तो ये कैच लाइट आना चाहिए यहाँ पर। अभी ये कैच लाइट कहाँ आना चाहिए, ये ब्लैक पीपल में है, उसके अपर हाफ में आना चाहिए, अपर हाफ में कहीं भी चलेगा। ओके। अगर ये कैच लाइट नीचे आता है, लोअर हाफ में आता है, तो ये पिक्चर हॉरर हॉरर बन जाता है सर। ओके, हाँ, सही है, ये अगर आप लाइटिंग रियलिस्टिक। नीचे से लाइटिंग देंगे तो कैच लाइट नीचे आएगा और नीचे कैच लाइट आएगा तो ये पिक्चर हॉरर बनते जाएगा। सही बात है दोस्तों। कई सारे लोग ये है जो है मैंने प्री वेडिंग में देखा है, तो सर मैं आपसे बात शेयर करूंगा। मैं कई बार प्री वेडिंग शूट करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो नीचे रिफ्लेक्टर लगा के चलते हैं, रिफ्लेक्टर यूज करते हैं लेकिन नीचे लगाते हैं, मतलब डे लाइट में भी रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं प्री वेडिंग में।
दोस्तों वो नीचे कभी रिफ्लेक्टर लगाया नहीं जाता, अगर आप नीचे लाइट लगा दो तो हॉरर लाइटिंग हो जाता है, मतलब नोज का शेडो उसकी आंखों में आ जाता है, लिप्स का शेडो वो सब, तो पूरा हॉरर दिखता है, लाइटिंग ये रॉन्ग है। तो आप जब भी ऐसा कुछ काम करते हो ध्यान रखिए कि हमने, एक सीधी सी बात बता दूं कि हमने पूरे जीवन में जब भी इस लाइट को देखा है तो सबसे बड़ा हमारा लाइट सोर्स है सूरज। वो जब सूरज उगता है और उसके बाद वो सर पे जाता है, मतलब धीरे 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 ऊपर होके वो सेट होता है, लेकिन वो कभी हमने नीचे नहीं देखा है, तो हमारे वो नेचर में है ही नहीं कि नीचे से कभी लाइट आए। तो जो भी दोस्त लोग कई बार नीचे से रिफ्लेक्टर देते हैं तो वो नहीं देना चाहिए। बराबर है सर, एकदम बराबर है। मैं भी यह मतलब शेयर करने वाला था कि ये नेचर में एक ही लाइट है हमारे पास, एक ही लाइट है, और वो लाइट हमारे साइड से जाता है लेकिन कभी नीचे नहीं जाता है, नीचे नहीं जाता साइड, है। हाँ साइड से ऊपर से साइड होता है, ऊपर से भी साइड जाएगा लेकिन नीचे कभी नहीं जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। सही बात है। अभी कुछ छोटे बच्चों के एकदम बॉर्न बेबी भी शूट आप कर सकते हैं तो बढ़िया शूट हो, जिसके सॉफ्ट लाइटिंग है। अभी इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसमें बताने वाली चीज है, देखो ये कॉस्ट्यूम के ऊपर अगर हमारे स्टूडियो में मॉडल आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, झट से इसके अपोजिट बैकग्राउंड बना देते हैं, कोई व्हाइट बैकग्राउंड डाल देगा, कोई ग्रे बैकग्राउंड डाल देगा, या तो कोई दूसरे कलर का डाल देगा। लेकिन हमने क्या है कि एक कलर के हारमोनी क्रिएट करना चाहिए, एक एक हारमोनी क्रिएट हो गया तो हमारा पहला जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फेस के ऊपर जाएगा, आंखों के ऊपर जाएगा। अगर इसके पीछे मैं व्हाइट बैकग्राउंड डालता तो ये कपड़े कॉन्ट्रास्ट हो जाते थे और कपड़ों की तरफ हमारा ज्यादा ख्याल जाता था। तो इसी तरफ अगर ये मॉडल मैं व्हाइट कॉस्ट्यूम में भी शूट किया तो उसका मैं व्हाइट बैकग्राउंड यूज किया, अभी दोनों पिक्चर में हमारा कॉन्सेंट्रेशन फेस के ऊपर जाता है, दोनों पिक्चर हम देखेंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है फेस के ऊपर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नहीं है कि मतलब मॉडल वही है, वही लड़की है, लेकिन अगर उसके जो गारमेंट है उसका और बैकग्राउंड का बहुत इंपॉर्टेंस से बैलेंस करना होगा। सही बात है, फेस इज इंपॉर्टेंट, मतलब जो कैरेक्टर है, जो लड़का लड़की या जो भी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस, बराबर बराबर। अभी देखो ये पिक्चर में अगर आपको आपके स्क्रीन के ऊपर अगर सही दिख रहा है, ये आपके स्क्रीन में सबके स्क्रीन में अगर सही दिख रहा है तो इसका व्हाइट जो है कहीं पे भी पैच नहीं हुआ है। बराबर है सर, इसके व्हाइट के डिटेल दिख रहे हैं, अगर सही सही स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो इसके व्हाइट के पूरे डिटेल दिख रहे, बाकी नहीं तो क्या होता है व्हाइट को लाइटिंग ऐसा हो जाता है कि व्हाइट पूरा पैची हो जाता है। सही तो, बात है। हाँ तो अभी 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 तो सारी भाषा में बताओ तो उसके कपड़े में जो करचलिया है या उसके जो कपड़े का जो टेक्सचर होता है वो भी नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो अभी तो आजकल ग्रिड आ गए, ग्रिड से ये पॉसिबल है, या तो फिर आप पहले थोड़ा सा फेस के ऊपर लाइट डालो, थोड़ा स्पॉट के जैसा लाइट डालो तो ये बन सकता है आपको। ओके, बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट है, स्टार्टिंग अमेजिंग है ये सर। अभी ये सब बात में पहला जो पिक्चर है मेरा, ये जो पिक्चर है इसको प्रोफाइल लाइटिंग है, तो मैंने 6 लाइट दिखा है कि कोई ना कोई लाइटिंग ये हर पिक्चर को बनाई हुई है, तो ये पिक्चर को प्रोफाइल लाइट दिया है जो दिखा रहा हूं मैं। जी सर, इसको ये रेम्ब्रांट लाइट का पिक्चर है, सही है, ये आ गया रेम्ब्रांट लाइट। अभी पोजिंग भी देखते हैं अपन, पोजिंग कैसा करना चाहिए। तो वो आदमी का मैं बताया था कि अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि पर्सनालिटी प्रॉपर आना चाहिए, आदमी का पर्सनालिटी आना चाहिए, तो इसमें उसके हाथों को जो पोजीशन दिया है उसकी बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, उसका पर्सनालिटी दिख रहा है और उसका एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो पोजिंग कैसा करना चाहिए वो भी आपको इसमें ख्याल में आएगा। ये देखिए इसको भी पोजिंग कैसा किया है, इसमें बैकड्रॉप के फ्रिल और साड़ी के फ्रिल इसके बीच में ये पिक्चर को प्ले किया है एक्चुअली। ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल पिक्चर बनाया था, ये वापस एक प्रोफाइल लाइटिंग, प्रोफाइल लाइट आप देख सक रहे हैं कितना सही बनाया है। ये भी एक प्रोफाइल लाइट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एक्सेलेंट शॉट। अभी बहुत से जगहों पर हमें स्पेक्ट वाले मॉडल का प्रॉब्लम होता है, स्पेक्ट के लिए तो थोड़ा स्पेक्ट रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ जाता है कई कई बार,
तो स्पेक का ऐसा है, वो थोड़ा सा डाउन साइड में टिल्ट किया तो उसमें रिफ्लेक्शन आता नहीं, या तो थोड़ा सा आंखों के नीचे लिया तो भी अच्छा मिलता है, या तो फिर आंखों के ऊपर रहा तो जो आंखें हैं मेन दिखती नहीं, तो सही आंखें बात, दिखती नहीं तो वो पिक्चर अच्छा नहीं दिखता, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया तो उसकी आंखें पूरी दिख रही है, तो ये पिक्चर भी हमें अच्छा लगता है। ब्राइडल प्रोफाइल दिया है लेकिन बैक साइड से प्रोफाइल कैच किया है। वेरी नाइस। ये सारे पिक्चर सर अगर हार्ड कॉपी में कैनवास के ऊपर जब प्रिंट होते हैं तो ये पूरे के पूरे पिक्चर्स पेंटिंग के जैसे दिख रहे हैं। ये सारे सही पिक्चर बात, अगर आप हार्ड कॉपी में हमारे, आपने तो देखे, आप मेरे स्टूडियो आए थे, कैनवास सब जी लगाए जी थे अपन लोगों ने, तो हमारे स्टूडियो में सब कैनवास लगाए थे, जो जिसमें भी ये हार्ड कॉपी इसकी कैनवास के ऊपर प्रिंट हुई हुई दिखी तो, और वो ये वॉल के ऊपर हैंग हो गए तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा, ये पेंटिंग ही लगेगा आपको एक्चुअली। सही तो ये जब ये लेवल पे चले जाता है, ये पेंटिंग लेवल के ऊपर हमारा पिक्चर जब चले जाता है तो उस आदमी को पैसा मिलता है सर। थोड़ा कमर्शियल सही बात करते सर, है ना, थोड़ा हाँ कमर्शियल बात करते हैं। अब ये पिक्चर मैं अपने नासिक में सेल करता हूँ 1200 रुपीज स्क्वायर फीट से, और मिनिमम ओ साइज आता है, हाँ सर, 1200 रुपीज स्क्वायर फीट से सेल करता हूँ मैं, और मिनिमम पिक्चर जाता है 1.5 फीट बाय 2 फीट का, मतलब 3 स्क्वायर फीट होता है, 3 स्क्वायर फीट का पिक्चर होता है, तो एक पिक्चर का 3600 रुपया होता है, 3600 रुपीज। सही है। तो हाँ, और जनरल स्टूडियो में क्या होता है सर, मैक्सिमम पिक्चर 8-12 या 12-15 के ऊपर, 12-18 के ऊपर एनलार्ज नहीं जाता है, क्योंकि लग उसको करते दिखता ही हैं नहीं, वहां उसको दिखता ही नहीं कि इतना बड़ा हो सकता है। अगर आपके स्टूडियो में डिस्प्ले हो तो आदमी देखेगा कि इतना बड़ा फोटो बनता है तो इतना मैंने लेना चाहिए सर। तो सही बात है, सही बात हमारा है। मतलब जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अपने स्टूडियो में जितना बड़ा एनलार्जमेंट लगा के दिखाओगे तो लोगों के दिमाग में हाँ आएगा कि ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इतना साइज में हो सकता है। हाँ आपको शायद सर याद होगा, आप मैं स्टूडियो में जी सर एंट्री करते हैं तो जी मैंने 3 फीट बाय 6 फीट का एनलार्जमेंट लगाया था। हाँ मैं आपके आपने एंट्री करे बराबर आपको दिखा होगा कि एक जी खड़ा आदमी का फोटो 3 फीट बाय 6 फीट का लगाया था। अब इतना जी बड़ा तो फोटो होता है, ये दिखेगा तो आदमी लेगा ना मेरे पास से। लेगा, सही बात है। हाँ, तो वो 3 फीट बाय 6 फीट का पिक्चर हम 25,000 रुपये में बेचते, आज जो पच्चीस सही हजार बात, रुपया मिलता है उसका, देते हैं लोग और लोग देने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। लोग देने नो डाउट, लोग देने के लिए। हर हाँ, बंदा नहीं देगा, सीधी सी बात है। लेकिन 10 में से समझ लो 100 में से 1 तो देगा, और 100 में से 10 में से जो एक है वो 30 बाय 70 देंगे, 100 में से 30 जो है 30 बाय 70 देंगे, और फिर धीरे धीरे जाके वो 16 20 पे आएंगे, 12 18 पे आएंगे। लेकिन कस्टमर है, अगर आप दिखाओगे तो लेने वाले हैं। बराबर बराबर वही बोल रहा, आपने जो बोला वही सही है कि जो दिखता है वो बिकता है ना। आप सीधी सी बात है अपने सर, आप अपने शॉप में अगर वो चने फुटाने रखेंगे ना, चने फुटाने, तो चने फुटाने बेचे जाएंगे। आप अगर वही बेच, काजू रखेंगे, आप अगर काजू रखेंगे, बादाम रखेंगे, तो बादाम वो भी बेचे जाएंगे सर। तो सही बात, सीधी सी बात है, जो बेचना क्या है दिखाएंगे वो वो आपको देना, बेचेंगे। हाँ सही बात। और देख, जो छोटे स्टूडियो वाले, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि सर वो लोग कभी ज्यादा ज्यादा वो जो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते, उसका मूल कारण भी यही होता है कि वो जो उनका स्टूडियो छोटा सा होता है, उनका प्रॉब्लम ये, वो बोलते हैं कि स्टूडियो हमारा छोटा इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे। एक्चुअल में हाँ ये न्यूट्रल बात हो रही है कि आपको थोड़ा सा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका स्टूडियो का करना साइज चाहिए। बड़ा रखो, डेकोरेशन मतलब कि आपका जो केबिन साइज है या जो आपका टेबल स्पेस है वो ऐसा रखो कि वहां ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओ, और स्टूडियो का स्पेस प्रॉपर वे से मैनेज करो। जितना आप कस्टमर को अलग तरीके से नई चीजों को दिखाओगे, नए साइज में दिखाओगे, नए फ्रेमिंग में, कैनवास में, और जिसे आजकल एलईडी लाइट भी काफी पॉपुलर हुई है, कई सारे लोग एलईडी बड़ी बड़ी साइज के एलईडी प्रिंट्स जो है, पीछे लाइट्स लगी होती है आगे फोटो प्रिंट लगती है, तो आप जितना अच्छा डेकोर करोगे उतना अच्छा कस्टमर पैसा देगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो सीधा आपके पास आइडेंटिटी वाला कार्ड क्लिक करवाएंगे, वो भी 20 रुपए में 36 कॉपी और निकल जाएगा। बराबर वही बराबर डिस्प्ले करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि वही डिस्प्ले करते हैं ना कि 20 रुपए में 25 कॉपी 50 कॉपी, तो वो कस्टमर वही मांगेगा। बराबर सर, बराबर। ये देखिए सर, ये सर कैरेक्टर देखिए सर, मैंने जो बोला जी ना, सर, आदमी का कैरेक्टर आना चाहिए। अब ये इसको जी देख के आप बोल देंगे ये गुरुजी है, पंडित जी है, कुछ पूजा पाठ करना है अपने घर में, हाँ, ऐसा कैरेक्टर उसमें आना चाहिए। बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट। देखिए ये लेडी का फोटो मेरे बैकग्राउंड में भी लगा है, हार्ड कॉपी हाँ कैनवास के ऊपर प्रिंट करके लगा है सर, अभी वो पिक्चर में भी मतलब कैमरा में दिख रहा है ये ऐसा।
हाँ और सर हमारा खुद का जो प्रिंटिंग, आपने बताया कि मेरा खुद का प्रिंटिंग है, तो जी जी ऐसा नहीं सर कि मेरा खुद का प्रिंटिंग है करके मैंने प्रिंट करके लगाए, मेरा खुद का प्रिंटिंग नहीं था, इसके पहले मैंने बहुत सा काम बाहर से प्रिंट करके लगाया था एक्चुअली। जी 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 देखिए सर पोर्ट्रेट कैसा है, इसका टेक्सचर देखिए, उसके चेहरे के कैरेक्टर्स देखिए, पूरा देखिए सर कैसा है। बताया था कि दो लाइट सीधे सीधे पीछे लगाए जाते हैं और फ्लैट फोटोग्राफी होती है, जो सब्जेक्ट अपना बाकी है कि फ्लैट नहीं होना चाहिए, वो कर्वेचर, उसके फेस का कर्वेचर पूरा आना चाहिए। आज एक पिक्चर अगर प्रॉपर देखेंगे तो आप सही गिन के बता सकेंगे कि इसका नोज का हाइट कितना है, सामने हाँ वाले कैरेक्टर के नोज का हाइट कितना है आपको बताते आना चाहिए, तो फोटोग्राफी में मजा आएगा, है ना सर। जी। ये देखिए पोर्ट्रेट, ये सारे पोर्ट्रेट मैं जो है ये बड़े बड़े पोर्ट्रेट मैं उनके घर में लगा चुका हूँ कैनवास के ऊपर, जितना मतलब ये तो यहाँ तो एक 10% इसमें दिखा सक रहा हूँ, इतना ज्यादा मैंने काम बाहर किया है एक्चुअली। सर ये सबसे वाह पहला पोर्ट्रेट है सर मेरा, ये सबसे पहला पोर्ट्रेट है जो मैंने कैनवास के ऊपर प्रिंट किया था, और मैंने पोर्ट्रेट सीखने के बाद ये कैरेक्टर अच्छा लगा था तो मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया था सर। कि ओके अगर आप कोई पोर्ट्रेट सीख लेते हो तो आपको ना बहुत से एक बस 20-25 पोर्ट्रेट तो फ्री वाले निकालना पड़ता है, तो आपको उसका प्रैक्टिस होएगा कि भाई मैं अच्छा पोर्ट्रेट बना सक रहा हूँ, कि अच्छा कैरेक्टर मिल रहा है, कोई अच्छा चेहरा अच्छा फेस मिल रहा है, तो उसको पकड़ के लाओ और उसका पोर्ट्रेट निकालते रहो और उसको पोर्ट्रेट जी बनाते रहो, तो आप पोर्ट्रेट में एक्सपर्ट ही आपके आते जाने वाली है। सही बात है, बट बहुत रियलिस्टिक है सर ये बंदा है। मतलब पोर्ट्रेट इस तरह से क्लिक किया है जैसे बंदा भी हाँ सामने से बोलेगा, इतना मतलब उसमें रियलिस्टिक तो इसी में सर देखो अभी उसका एक्सप्रेशन है, उसका स्माइल है, उसमें है। उनके आंखों में जो एक्सप्रेशन आ रहा है, तो उसके बाद में उनका पूरा टेक्सचर आ रहा है। देखो उसका कैप का टेक्सचर अलग है, उनके फेस का टेक्सचर अलग है, उनके दाढ़ी का टेक्सचर अलग है, उनके शॉल का टेक्सचर अलग है, ये सब चीजें एक साथ में आने के बाद में, और एक्सप्रेशन और मूड जैसा कि हमने पोर्ट्रेट के डेफिनेशन में देखा था कि जो जो एक्सप्रेशन होना, लाइकनेस होना, मूड होना, पर्सनालिटी आना चाहिए, ये सारे जी पैरामीटर यहाँ लगा के हमने ये काम किया है सर, पूरा सही बात पैरामीटर्स लगा के ये काम किया है। बहुत अभी बढ़िया। दोनों पिक्चर एमरेंट लाइट के है, दोनों पिक्चर को अलग अलग पोज है, एक को राइट साइड पोज दिया, एक को लेफ्ट साइड पोज दिया है, और जिधर पोज दिया उधर से की लाइट डाला है सर। सही है बहुत बढ़िया। ये भी सेम एमरेंट लाइट है, ये भी ये तो सर एक फ्लैश बाउंस करके पिक्चर लिया है एक्चुअली, ये पिक्चर हमारे स्लाइड शो में इसलिए है कि ये जो मैडम है ये बहुत बड़ा नाम है, सिंधुताई सपकाळ करके बोलते हैं इनको, ये बहुत बड़े ओके सोशल वर्कर है इधर महाराष्ट्र में, शायद आपके तरफ नाम पता नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़े सोशल वर्कर है, ये जो अनाथ बेटिया है इनके लिए एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, तो इनका ओके पोर्ट्रेट मैंने बनाया था नासिक में, कोई एक लैंड वाले मतलब बिल्डर थे, उनको ये पोर्ट्रेट बना के उनको प्रेजेंट करना था, तो मैंने अच्छा एक इवेंट हॉल में इनका फ्लैश के ऊपर शूट किया था, फिर उसको थोड़ा सा एडिट करके उनके पोर्ट्रेट बना के उन्होंने गिफ्ट किया, तो ये एक 8 से 10 पोर्ट्रेट उनके आश्रम में उधर पुणे में लगे हैं सर। ओह वेरी नाइस। अभी कुछ पोर्ट्रेट्स के लिए आप लोग बोलते खाली सिंगल का ही पोर्ट्रेट बनता है, कि ऐसा ना हो जाए तो कुछ कपल को भी अच्छे पोज देके आप सेम लाइटिंग कपल को भी कर सकते हैं, आप सही है कपल भी अच्छे, और कपल के फोटो जो है इसमें और बेनिफिट डबल है, इसकी साइज बड़ी जाती है, 2 फीट बाय 3 फीट का साइज जाता है, क्योंकि 3/4 फोटो है, छोटा लेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसका नहीं। साइज हम 2 फीट बाय 3 फुट का सजेस्ट करते, और एक मिनिमम 7,000-8,000 रुपया ये फोटो देके जाता है एक्चुअली। सही बात है, मतलब लाइफ लाइफ साइज पोर्ट्रेट जिसको बोल सकते हैं। हाँ लाइफ साइज, अभी आपने अभी लाइफ साइज की बात किया तो सर अच्छा होगा कि कुछ बातें याद आते जाती है, पोर्ट्रेट जो है सिंगल जो हाफ पोर्ट्रेट है हम उसको 1.5 फीट बाय 2 फीट के ऊपर सजेस्ट भी नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर बनाएंगे तो उसका लाइफ साइज से चेहरा बड़ा बनेगा, तो हाँ लाइफ साइज से उसका फेस बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो हम सही 1.5 फुट से 2 फुट के ऊपर सजेस्ट भी नहीं करते उसको। हाँ जिसको एकदम बड़ा बहुत बड़े कोई हॉल में लगाना है और बहुत ऊपर लगाना है तो हम उसको बोलते कि तुम बड़ा बनाओ करके, अदरवाइज सही बात घर में लगाने के लिए
डेढ़ फीट बाय दो फीट के ऊपर हम जाते नहीं, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है एक्चुअली। अभी ग्रुप के लिए भी पोजिंग करना अच्छा है, अच्छा पोजिंग करो। अब मैं भी कुछ घर से सीख के नहीं आया, नेट पर जाओ और बाहर के लोगों के पोर्ट्रेट देखो, बाहर के लोगों के, वो कितना ग्रुप के लिए कितना काम करते। आप बाहर के लोगों के फॉरेनर के ग्रुप सेटिंग देखेंगे, इतने अच्छे ग्रुप सेट करते हैं कि हम सोचते रह जाते। तो आप नेट पे जाके पोजिंग देखो और ग्रुप सेटिंग करो, नहीं तो क्या होता है हमारे स्टूडियो में लोग आते हैं, एक बाकड़ा डाला रहता है, उसके ऊपर दो बैठाते हैं, दो खड़े कर देते, हो गया। तो इससे कुछ कुछ अच्छा सेटिंग दो कि वो ग्रुप अच्छा कंपोज होना चाहिए, बहुत बढ़िया कंपोज हो जाए ग्रुप तो अच्छा लगता है। सही बात है, पूरा फैमिली बैलेंस होना चाहिए, पूरा फैमिली बैलेंस होना चाहिए, उनको अच्छा पोजिंग आना चाहिए, रिफ्लेक्ट उनका बहुत कंफर्टेबलनेस दिखता है। तो ये लोगों को घर में मैंने अभी ये 10 साल पहले पोर्ट्रेट दिया था सर, अभी वो नया पोर्ट्रेट मेरे इसमें नहीं है, इन्होंने 10 साल के बाद में भी ये बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में जा रहे, जब भी वो एक पोर्ट्रेट बनाया सर। हाँ, ये पोर्ट्रेट 2x3 का बनाया था, अभी का पोर्ट्रेट उन्होंने 3x3 फीट का बहुत बड़ा बना लिया। तो ऐसा भी बिजनेस इसमें मिलता है कि मैंने बोला है कि पोर्ट्रेट का काम लाइफ टाइम चलता है, हम खाली शादी और प्री वेडिंग के पीछे भाग रहे हैं, वो खाली सीजनल है, 2-3 महीना काम चलने वाला, लेकिन ये काम 365 दिन काम चलता है और आदमी को हर टाइम काम आता है। ये आदमी ने अपने लाइफ में 2 टाइम की मेमोरी बना के रखी कि बच्चे छोटे थे तब मेरा पोर्ट्रेट कैसा था और बच्चे बड़े हैं तब मेरा पोर्ट्रेट कैसा है। वो शायद मेरे फेसबुक के ऊपर है, वो पिक्चर डाला मैंने इनका बड़ा वाला पोर्ट्रेट, तो आगे अपने पास टाइम रहा है तो वो भी मैं दिखा सकूंगा। एक्चुअली कुछ फैमिली ग्रुप्स ऐसे भी बनते हैं, आप कंपोजिंग करते रहो, आपको अच्छा कंपोजिंग मिलेगा। ये भी हमने पूरा फुल साइज लाइफ साइज पिक्चर बना के दिया है। वेरी नाइस। देखो बड़ा ग्रुप भी बना सकते हैं, बड़ा ग्रुप भी अच्छा कंपोज होना चाहिए। अबे देखो वो जो छोटी लड़कियां है उनको प्रॉपर बैलेंस किया है, सही है, उनको कहाँ बैठना है कहाँ नहीं, और इनको भी हाइट वाइज खड़ा किया है, सब ऊपर पीछे जो है पूरा कर्व क्रिएट हो गया है, तो पिक्चर देखने के लिए अच्छा लग रहा है। सबसे मेन बात है हमारे पिक्चर में ब्यूटी आना चाहिए, पिक्चर ब्यूटी दिखना चाहिए सर। सही बात। अभी सर रिस्टोरेशन में भी बहुत अच्छा, रिस्टोरेशन में भी बहुत अच्छा पैसा है सर आज के तारीख में। रिस्टोर अच्छा करो तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, एडिटिंग का पैसा अलग मिलता है, कैनवास पोर्ट्रेट का पैसा अलग मिलता है। तो ये पिक्चर हमने रिस्टोर किया, ये पिक्चर से ओके, ये ओरिजिनल है, उसको हमने रिस्टोर करके ऐसा पोर्ट्रेट बना के। अभी देखो ये तो 20-25 साल पहले का एक छोटा मैट पिक्चर, मैट पेपर पे प्रिंट किया हुआ पिक्चर था और इसको हमने ऐसा पोर्ट्रेट बना के दिया, तो ये भी बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना के दिया था। फिर तो आप डिजिटल पेंटिंग भी कर सकते हैं। ये देखो ये मेरे लेफ्ट साइड में एकदम सिंपल सा पिक्चर है, लेकिन उसको मैं डिजिटल पेंटिंग करके उसको कैनवास के ऊपर प्रिंट करके बहुत अच्छा पोर्ट्रेट घर में लगाने के हिसाब से बना के दिया। चलो वाओ बहुत बढ़िया। ये सर आप इसको देख रहे, ये पिक्चर जिसने निकाला उसने खाली 25 रुपया कमाया सर। ये पिक्चर जिसने निकाला उसने खाली 25 रुपया कमाया, 4x6 आया था मेरे पास में और मैंने उसके ऊपर 7,000 रुपया कमाया। ओके मैंने उनको ऐसा बना के दिया सर। वाओ क्या बात है, मतलब सामने वाले ने चेंज कर दिया उसको, क्रिएटिवली जो है उसको बहुत अमेजिंग बना दिया। वेरी नाइस। अब ओरिजिनल पिक्चर देखिए सर ऐसा है। ये तो खाली फ्लैश के ऊपर निकाला हुआ घर में पिक्चर बनाया था, है ना, और वो टाइम पे क्या 25-30 रुपया 4x6 जाता था, तो वो टाइम पे वो फोटोग्राफर ने इतने कम पैसे में ये काम कर दिया, लेकिन उसी को हमने एक पोर्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसको कैनवास के ऊपर बनाया तो उसको ऐसा लग रहा मेरा पेंटिंग बना के दिया क्या आपने, तो उसको हमने ये ऐसा बना के दिया। इसमें इसमें सर स्किल है कि इसका कटिंग था, इसके जो इसका जो कटिंग हुआ ना ये कटिंग का स्किल है सर। उस दिन सर ने फोटोशॉप का वर्कशॉप चल रहा था, मैंने भी बाद में देखा है, गणेश सर सिखा रहे थे कि भाई फेदर क्या रखना चाहिए, है ना, फेदर के ऊपर बात हुआ था, फेदर के ऊपर बात हुआ था, तो फेदर क्या रखना है, कटिंग तो कोई भी कर सकता है, स्किल है सर फेदर रखने का। स्किल जो है फेदर रखने का है,
मतलब क्या है कि ब्रश और पेंट है लेकिन वो कैसा घुमाने का ये स्किल हाँ है। वो स्किल है, कलर तो है ब्रश है लेकिन कैसे घुमाने का, अप्लाई कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो उस दिन जो बात हो रहा था तो गणेश सर टूल सिखा सकते हैं, टूल सिखा सकते हैं। करना तो हमें खुद को ही पड़ेगा, वो हाँ टूल का यूज गणेश बता सर आप, सकते प्रैक्टिस। हाँ गणेश सर आपको टूल बता सकते हैं ये टूल ये काम करता है, लेकिन वो टूल का क्रिएटिव क्या करना है तो वो हमें है। मतलब इसको सर बोलते हैं एक नॉलेज होना बात है और अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सही बात है, नॉलेज सही होना। बात है। नहीं इसको सर दो तरह से मैं डिफाइन करता हूँ, एक को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये हाँ इन्फॉर्मेशन कि ये टूल से ये हो सकता है, और उसको हाँ अप्लाई करके जो एक्सपीरियंस लिया जाता है वो अलग चीज होती है, मतलब कि ये वो अलग चीज एक्सपीरियंस और अप्लाइंग जो है वो अलग चीज होती है। है, ये सही पिक्चर बात, देख के कोई बोलेगा नहीं सर कि कटिंग किया है करके, सही बात है। इसको इसको देख के कोई बोलेगा नहीं ये कटिंग करके लगाया करके। बहुत सही है। ये पिक्चर देखिए सर कितना, मतलब टिल्टअप कैसा है कैसा है, इसका ओरिजिनल पिक्चर ये तो हमने मैंने इसको बनाया तो ऐसा बन गया वाओ ओरिजिनल। ओरिजिनल पिक्चर देखे आपने, एक्चुअली वो जो जेंट्स है वो थोड़े से लेफ्ट साइड में टिल्ट हुए हैं, उनको मैंने कट करके प्रॉपर शिफ्ट किया मैडम की तरफ। क्या बात है, सही बात है, अब फोटो में वो वो प्रॉपर देख, नहीं है। हाँ फोटो में उनका पोजिंग प्रॉपर नहीं है, वो पोजिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो मैंने उनको पोजिंग भी प्रॉपर कर दिया एक्चुअली। जी सर, सर अभी तो नया डिमांड आना शुरू हो गया सर, डिजिटल पेंटिंग के ऊपर एक वेबिनार होना चाहिए। हाँ सर वो भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैंने एक दिखाया ना आपको डिजिटल पेंटिंग जो पहले था। जी, ये सर मेरा वाह नेचुरल लाइट पोर्ट्रेट्स है, ये मैं नेचुरल लाइट में करता हूँ जहाँ कोई भी लाइट यूज नहीं किया है, एक भी लाइट यूज नहीं किया, जो भी सनलाइट या जो भी डल लाइट जो था उसके ऊपर किया है। यहाँ पर भी मैंने 85 mm 1.4 यूज किया है, बहुत बढ़िया। ये उसी मॉडल का शूट है। ये भी नेचुरल लाइट के शूट है कुछ। वेडिंग के कुछ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का जो लाइटिंग है, पोर्ट्रेट जो अपन ने अभी तक जो लाइटिंग के बारे में सोचा, ये लाइटिंग हम लोग हर तरफ यूज कर सकते हैं। हम ये लाइटिंग वेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट में भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। आप जो लाइटिंग पहले जो बात है कि बेसिक लाइटिंग समझ में आए तो हम वो उसको कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वेडिंग में सही भी हम ये बात, लाइटिंग यूज कर सकते हैं सर। देखिए अभी मैं अगला पिक्चर जो है मैंने रेमब्रांड लाइट वेडिंग में यूज कर लिया, वाह थोड़ा सा एडिटेड है बैकग्राउंड बाद में क्रिएट होगा इसको, लेकिन जो फेस के ऊपर लाइटिंग है वो लाइटिंग प्रॉपर मिल गया है मेरे को। ये भी वेडिंग पे नेचुरल लाइट है। ओके सर यहाँ पर मेरा पीपीटी खत्म होता है, और किसी को कुछ पूछना है तो अपन पूछेंगे। ये मेरे सर, कुछ वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है, और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, जिसको भी मुझे मेरे से कांटेक्ट करना है तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। बेझिझक आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, खाली आप मुझे थोड़ा रेफरेंस देना कि हम लोग वाघेला सर के प्लेटफॉर्म पे मिले थे तो मैं पहचान सकूँ कि अपन कहाँ मिले थे सर, है ना सर। तो सही बात है दोस्तों, इसका मेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको इनका इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वो कुछ वर्क देखने देख सकते हो। उनका जो मोबाइल नंबर है उनसे उनको कम्युनिकेट करना है। सर के वर्कशॉप भी चलते रहते हैं फ्ले ऑफ लाइटिंग के नाम से, तो जब भी उनके साथ जुड़ना है तब भी आप उसको उनको जुड़ सकते हो। उनका खुद का वेबसाइट भी है, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब कुछ आपके पास है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको बहुत जल्दी आप कनेक्ट बहुत इजी वे में कर सकते हो। और अब और सब दोस्तों किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। यस सर प्लीज। और सबसे रिक्वेस्ट है कि नहीं कुछ करना है तो भी इंस्टा अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर आप फॉलो अप तो भी कीजिए। जी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ताकि उनका सर का आपको जो है काम जो है देखने को मिलेगा और साथ में आप जुड़े भी रहोगे।
दोस्तों जो लोग अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं और जो लोग नहीं लिख रहे उनके लिए बता दूं कि आप लोग जिनको भी नेक्स्ट वेबिनार की लिंक चाहिए वो नीचे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है आई एम इंटरेस्टेड इन वेबिनार, तो आपका नंबर जो है ग्रुप में डाल दिया जाएगा ताकि नेक्स्ट वेबिनार जब भी होगा तो आपको उसकी लिंक डायरेक्टली पर्सनली मिल जाएगी। तो जो लोग भी चाहते हैं कि आपको वेबिनार की लिंक डायरेक्ट मिल जाए तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। और साथ में सर जो लोग भी चाहते हैं कि जो सर ने क्वेश्चन बताया, जो पूरा सेशन बताया, 6 टाइप के लाइटिंग, कुछ पोर्ट्रेट्स बताए हाई की, मिड की और लो की, उसमें कुछ क्वेरी है स्टूडियो के बारे में पूछना तो सकते हो, एनीथिंग एनीथिंग। और सर सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी 1-1.5 घंटे में ये वर्कशॉप तो मैं पूरा डिटेल नहीं दे सकता हूँ, ये एक्चुअली पूरे वर्कशॉप का 10% भी नहीं है ना। हाँ। तो मेरा जो वर्कशॉप रहता है मिनिमम 2 दिन का करता हूँ मैं, तो 2 दिन के वर्कशॉप में पूरा डिटेल आपको मिलेगा, जिसको भी इंटरेस्ट है तो बाद में और 2 दिन के वर्कशॉप के लिए आ सकते हैं जब भी मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, क्योंकि मेरा वर्कशॉप फिजिकल देखे शिवाय समझ में नहीं आ सकता सर कि मैं प्रॉपर लाइट में। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि इतना बारीक सा कैचलाइट कैसा आता है, तो वो मैं हार्ड सॉफ्ट लाइट, हार्ड और सॉफ्ट कैसा करता है, जब मैं हार्ड लाइट करूंगा सोर्स छोटा करूंगा तो मेरा कैचलाइट भी छोटा हो जाएगा, तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल के सिवा पॉसिबल नहीं है, वेबिनार में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है सर। तो जिसको जब भी ये कोविड का पेंडेमिक ये हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तो मैं फिजिकली वर्कशॉप अरेंज करूंगा, तो आप लोग वो वर्कशॉप को अरेंज अटेंड कर सकते हैं। सर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप देख पाओगे, रिम लाइट या कट लाइट सेम है या अलग है? देखिए सर रिम लाइट और कट लाइट सेम ही है, लेकिन एक्चुअली क्या है सर, कट लाइट जो होता है, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ सर, चलेगा ना? मैं थोड़ा सा, हाँ यू कैन दोस्तों बहुत अच्छे से सर बता रहे हैं, जब तक वो उनके कुछ फोटोग्राफ्स वो जो है अपने कंप्यूटर से सर्च करते हैं तब तक मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कई लोगों के क्वेश्चन देखे सर बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस कौन सा है। तो दोस्तों अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो 85mm इज द बेस्ट लेंस, आप 85mm से अगर शॉट बनाते हो तो बहुत अच्छे शॉट्स आपके पोर्ट्रेट के लिए बनेंगे। और साथ में ही मैं चाहूंगा कि कई लोग डिस्टेंस के बारे में भी पूछ रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप कोई भी पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो तो आराम से 4 या 5 फीट का डिस्टेंस मिनिमम रखो, उससे पास मत जाओ। अगर उससे पास जाओगे तो फेस का जो फोरहेड है काफी बड़ा हो जाएगा, चीक बोन बड़े हो जाएंगे, कान से नाक का डिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा, तो 4-5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 50mm का लेंस अच्छा है लेकिन वो पोर्ट्रेट के लिए नहीं, अगर आप पोर्ट्रेट के लिए चाहते हो तो फिर आपको 85mm से ऊपर की फोकल लेंथ पकड़ोगे तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए सर मैं सर ने जो कुछ इमेज दिखाया मैं शेयर करता हूँ। देखो सर आपने किसी ने पूछा कि रेमरांट और कटलाइट एक ही है क्या, है ना? तो कटलाइट जो है सर, कटलाइट हम यहाँ से डालते हैं और इसके लिए डालते हैं, है ना? तो कटलाइट का इम्पोर्टेंट ये है कि ये कटलाइट मैंने यहाँ पर डाला है, ये कोई शो के लिए नहीं डाला है सर, ये डाला है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट करने के लिए डाला है। सही बात, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस काउंट होता है इसलिए ये पिक्चर 3D दिखता है। तो ये काम होता है कटलाइट का। और रिम लाइट जो है सर, वो रिम लाइट डालते हैं ये पूरे बाल चमकाने के लिए, रिम लाइट जो बोलते हैं वो पूरा इतना ब्राइट डालते हैं कि पूरा ये चमकाया जाता है। मेरा कटलाइट जो रहता है, ये कटलाइट का इंटेंसिटी ये की लाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सफेद हो जाएगा, यहाँ फिर पैची हो जाएगा सर, ये पूरा पैची हो गया, ये पैची हो गया, यहाँ का स्किन बर्न हो गया, तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तो कटलाइट जो है, कटलाइट कोई शो के लिए नहीं डालते है, कटलाइट जो डाला जाता है एक तो बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के सेपरेशन के लिए डाला जाता है, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट करने के लिए डाला जाता है। और जो रिम लाइट, हाँ, और रिम लाइट जो बोलते है वो पूरा बैकग्राउंड अपना रिम लाइट जो बोलते हैं वो एक्चुअली वो मेरे पहले पिक्चर में रिम लाइट दिखेगा, ये जो मेरे बालों के ऊपर गिर रहा है ये पूरा रिम लाइट हो जाए। सही बात है। और कोई क्वेश्चन है सर? और कोई क्वेश्चन है किसी का? आप भी सर पढ़ पाओगे, अगर आपको कोई अच्छा क्वेश्चन लगता है तो उसको भी आप आंसर कर सकते हो। अब मैंने अभी लास्ट में पढ़ा सर, एक कुछ तो भी किकर लाइट बोला है, अभी ये किकर लाइट तो मैंने अभी तक सुना नहीं सर, के आई डबल के
KIKKER, किक्कर लाइट। सर किक्कर लाइट के बारे में बताइए प्लीज। सर मैंने किक्कर लाइट जो भी पूछ रहे तो मैंने अभी तक ये नाम सुना नहीं, किक्कर क्या होता है सर? सॉरी नहीं, वेडिंग होता के है सर, लिए। कई लोग जो है अपने अपने तरीके से नाम एक्सप्रेस करके हाँ जो है लोगों को बताते हैं, तो ये हो बराबर सकता है। बराबर। हाँ, किसी ने बीच में भी एक क्वेश्चन था सर कि आप लोग आप सारे पिक्चर को फोटोशॉप करते हैं क्या? तो देखिए फोटोशॉप तो करते ही है, हर आदमी को फोटोशॉप करना ही पड़ता है। कल भी गणेश सर ने वर्कशॉप में बताया था कि पहले जो था 80% फोटोग्राफी होता था, 20% फोटोशॉप होता था। जी सर, तो हाँ, लेकिन आज के तारीख में 20% फोटोग्राफी है, 80% फोटोशॉप करते हैं। लेकिन मेरे फोटो में, मेरे पोर्ट्रेट में जो पहला फंडा है वही है, एक 80% फोटोग्राफी होती है और खाली 20% फोटोशॉप करते हैं। खाली जो कमर्शियल पोर्ट्रेट है, जो फैशन पोर्ट्रेट है, उसके ऊपर अपन कमर्शियल रिटच वगैरह करते हैं उसके फेस के ऊपर। जो मैंने मॉडल के पिक्चर दिखाए थे उसके ऊपर कमर्शियल रिटच था, उसका फेस इतना ग्लो नहीं था और उतना ग्रेनी भी नहीं था कि जितना मैंने उसको बनाया था एक्चुअली। सही है सर। एक क्वेश्चन है जो आपके पोर्ट्रेट्स में मैंने मतलब देखा, सारे लोगों ने देखा होगा। क्वेश्चन ये है कि हाँ सर जी, डार्क बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ। आपका मतलब जो ज्यादातर पोर्ट्रेट्स उसमें बैकग्राउंड आप डार्क ज्यादा सिलेक्ट करते हो, और जो मतलब हाँ तो उसका क्या रहस्य है और क्या चाहते हो आप उसमें, क्या एक्सप्रेस करते हो? देखिए सर, मैंने एक बीच में ये दिखाया था, मेरा एक स्लाइड था। जी ये वाला साइड है सर, और ये लास्ट वाला पिक्चर है कि डार्क बैकग्राउंड में है। तो डार्क बैकग्राउंड में मैक्सिमम पिक्चर है ना ड्रामेटिक हो जाता है सर, और ड्रामेटिक लाइटिंग में उसका एक्सप्रेशन, मूड और बहुत ज्यादा अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। अभी ब्राइट पिक्चर में क्या होता है, ब्राइट पिक्चर में हम कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो ये नहीं चलता। हाँ ठीक है कि ये मैंने एक हाइकी का पिक्चर है जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट है, कपड़े व्हाइट है, दाढ़ी व्हाइट है, उसकी टोपी व्हाइट है, तो मैंने ये मैनेज किया करके उसके आंखों की तरफ ख्याल जा रहा है। अगर इसमें से एक भी चीज बदल जाती तो उसके हाँ आंखों की तरफ ख्याल नहीं जाता सर। तो एक्चुअली डार्क बैकग्राउंड होना इसलिए जरूरी नहीं है, व्हाइट बैकग्राउंड पे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर कपड़े सब बातें भी वो व्हाइट होना चाहिए, मतलब लाइट होना चाहिए। अगर आप सही। लाइट में काम करते हैं तो कॉस्ट्यूम से लेके मॉडल से लेके बैकग्राउंड से लेके सब लाइट चीजें आने चाहिए। आप बोलेंगे कि मैं एक आधे क्या बोलते हैं उसको, सावला कलर आपके तरफ क्या बोलते हैं जिसका डार्क कलर आता है, ब्लैक कलर आता है थोड़ा, है ना, सावला आदमी रहता है ना। बोलते हैं हम लोग भी, सावला बोलते हैं। हाँ, सावला आदमी को अगर व्हाइट बैकग्राउंड पे बनाएंगे तो कैसा रहेगा? तो इसलिए वो सावले आदमी को डार्क बैकग्राउंड पे डालेंगे तो उसके फेस के ऊपर लाइट डालेंगे तो उसका फेस हमें ग्लो करेगा, बराबर है ना। और इंडियन इंडियन कास्ट जो है मैक्सिमम डार्क कास्ट है, हम फॉरेनर के जैसे गोरे नहीं है ज्यादा, तो डार्क कास्ट के लिए हम मैक्सिमम ब्लैक बैकग्राउंड यूज करते हैं या तो डार्क साइडेड बैकग्राउंड यूज करते हैं। डार्क साइडेड कपड़े बोलते पहनने के लिए, तो फिर जाके उसका फेस बाहर आता है। ब्राइट दिखता है, सही हो, मतलब वो उठ के दिखता है, तुरंत दिखता है फेस। हाँ, सही बहुत बढ़िया सर। दोस्तों और किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि सर लगातार 2 घंटे से बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस 2 घंटे से लगातार अपने फुल एनर्जी से बात कर रहे हैं, और सर जेन्युइनली देखने जाए तो 2 घंटे हो भी चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। हाँ सर। और फाइनली सर कितने लोग जुड़े अपने साथ आज? सर अभी तो 293 भाई दिखा रहा है, लेकिन अच्छा 350 से ऊपर चले गए थे, तो व्यूवर तो है सर, डोंट वरी सर। और ये व्यूवर नहीं नहीं तो नहीं जस्ट जस्ट एक क्यूरी रहता है ना कितने लोग आए भाई ऐसा। हाँ, नहीं मैं इसका आपको ग्राफ भेजूंगा सर। एक अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, कि हेयर के ऊपर का हाँ लाइक इंटेंसिटी कितना होना चाहिए? सॉरी सॉरी सर सॉरी हेयर के सर। ऊपर लाइक देते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? हेयर के ऊपर जो लाइट देते हैं उसकी इंटेंसिटी कितना होती है? ठीक है, अभी मैंने जो लाइट बताए थे तो मैंने हेयर के ऊपर लाइट डालने का बताया नहीं था एक्चुअली, है ना सर। हेयर के ऊपर लाइट डालने का मैंने अभी तक बताया नहीं पूरे लाइटिंग में मेरे। बताएंगे, सही बात है। हाँ, फिर भी आपको अगर हेयर के ऊपर लाइट डालना है तो फिर ये फैशन में चले जाता है, फैशन फोटोग्राफी में चले जाता है। ओके, हाँ, वो फैशन में आ जाता है, सही है। वो फैशन में चले जाता है, और फिर फैशन में जाने के बाद में कोई रूल रहता नहीं सर,
फिर कोई रूल नहीं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कितना भी लाइट डाल कोई सकते हो, भी कहीं भी डाल सकते हो। कितना भी लाइट डाल सकते हैं कितना कोई, लेकिन अगर खाली खाली इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे जी तो खाली खाली इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो इंटेंसिटी के बारे में मैं टेक्निकल बात ऐसी करूंगा कि आप इतना ब्राइट लाइट डाले कि जहां का डिटेल खत्म ना हो जाए, सही बात है। वहां का डिटेल खत्म ना हो जाए, बाल पूरे दिखना चाहिए, वहां व्हाइट नहीं हाँ होना चाहिए। मतलब सरल भाषा में बताओ तो आपको इंटेंसिटी उतना ही रखना कि कोई ये भी ना बोल दे कि मेरे बाल सारे सफेद हो गए, क्योंकि हाँ कई लोग जो हेयर लाइट पे लाइट देते हैं तो उनको कंट्रोल नहीं रहता कि कितना लाइट देना है, तो बाल जो है पूरे व्हाइट हो जाते हैं, व्हाइट मतलब ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, तो कस्टमर उसको पसंद नहीं करते। बहुत बढ़िया सर। सर आप कौन सी ब्रांड के लाइट्स ज्यादातर यूज करते हो, लोगों को ये क्यूरियोसिटी थोड़ी सी। सर, मैं मेरे वर्कशॉप में और कहीं भी मैं फोटोग्राफर को पैसा खर्चा करके बड़े से बड़ा लाइट खरीदो ये कभी बताता नहीं सर। जी तुम्हारे पास जो लाइट है उसमें ये काम होना चाहिए, हाँ उनके पास जो लाइट है उसमें ये काम होना चाहिए। होना चाहिए अभी आप सब लोग हंसेंगे सर मेरे को, मेरे पास जो लाइट है वो लाइट है एलिन क्रोम के डीलाइट 2। ओके डीलाइट 2 के 4 लाइट है सर मेरे पास, सही है जो 16,000 में दो आते हैं, हाँ 16,000 में दो आते हैं डीलाइट 2 के लाइट, वो 4 लाइट लिए हैं मैंने सर। सही तो बात है इतना हाँ, मेरे को मास्टर लेने की 200 400 लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी सही बात है। मेरा जो काम है, और सर एक्चुअली हम लोग पहले भी जानते हैं, जब हम लोग पहले काम करते थे, ये तो करीबन 10-15 साल से थोड़ी सी लाइट्स एडवांस हो गई और उसका जो पावर का जो बेनिफिट मिला, ट्रिगर का बेनिफिट मिला, अदरवाइज हाँ देखा जाए हाँ तो पहले हाँ तो हम लोग सिंपली बल्ब से भी शूट करते थे। सर सच बोलो तो जब हाँ मैंने फोटोग्राफी शुरू किया था तब मेरा डिप्लोमा कोर्स चल रहा था, हाँ तो जब हमारा लाइटिंग सेशन शुरू हुआ, पहले कैमरा का सेशन हुआ, व्हाट इज कैमरा, क्या लाइट होता है सब चीज, जब हमें पहली बार लाइट को रूबरू कराया गया तब हमें कोई लाइट बताया ही नहीं था, सिर्फ किंडल कैंडल को रखा, और एक बराबर कैंडल रखने के बराबर बाद उनको बताया गया कि आप इसका रीडिंग लो, क्योंकि उस जमाने में वो फिल्म वाला कैमरा था, मतलब आप सीधा बराबर क्लिक करके देख नहीं सकते हो, और हमको बताया गया कि आप इस कैंडल एक कैंडल लगा दिया और हमारे में ग्रुप में से किसी लड़के को खड़ा कर दिया कैंडल के पास इस तरह से, और बताया गया कि बताओ इसका रीडिंग क्या आएगा, कितना एपर्चर आएगा, कितना शटर स्पीड आएगा, क्या आपका ISO 100 फिक्स हो रहा था, तो आपको कैमरे के अंदर जाके निडल को देखता था, अपने को निडल का एक्सपोजर देख के उसके हिसाब से हमें लेना था, मतलब सिंगल कैंडल से हमें जो है एक्सपोजर जो है सिखाया जाता था, दिखाया जाता था, फिर एक कैंडल, फिर दो कैंडल, फिर उसी कैंडल से फिर हेयर लाइट बनाना, मतलब वहां से पूरी जर्नी शुरू होती है। हाँ सर, इतना इतने बेसिक से हमने जब लाइट लिया है सर, तो अभी हम लाइट के साथ में कैसा भी खेल सकते हैं। सही खेल सकते हैं हाँ आपको क्या है सर, फोटोग्राफर ना इतना ये लाइट के बारे में सोचता ही नहीं है। लाइट एक बार आपको लाइट तो सीखना ही चाहिए, लाइट सीखना है, लाइट समझना है। मैं पहली बोला कि लाइट सीखना है, लाइट समझना है। हार्ड सॉफ्ट क्या होता है, हार्ड सही कैसा बात होता है, सॉफ्ट कैसा होता है। अगर मेरे को लाइट हार्ड नहीं होता है तो मैं 1 की लाइट हार्ड डाल ही नहीं सकता। मेरे दोनों लाइट सॉफ्ट है तो मैं 3 लाइट, मैं लाइट डिफाइन कैसा करूं अलग अलग। मेरा मेरे दोनों लाइट सॉफ्ट है, मैं दोनों सही सॉफ्ट वर्क यूज कर रहा, तो वो होता ही नहीं सर। उसके लिए लाइट सीखना ही पड़ता है। देखिए सर, स्क्रीन पे दिख रहा है मैं जो लाइट जी यूज कर सर रहा हूँ, ये डीलाइट 2 करके ये लाइट यूज करता हूँ, मैं अभी भी ये जी लाइट जी यूज जी करता हूँ। तो मुझे नहीं लगा कि इससे बड़ा लाइट मैंने लेना चाहिए। मैंने फिर लेंस में पैसा डाला है, दूसरे चीजों में पैसा डाला है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे लाइट खरीदना चाहिए। क्या आता है सर, मेरे स्टूडियो के साइज के हिसाब से ये लाइट बहुत हो गया, क्योंकि मोर देन इनफ मेरे को एपर्चर कम चाहिए ना सर। मेरे को एपर्चर चाहिए 2.8, 3, 4, ऐसा एपर्चर चाहिए। और वो मैं जी अगर बड़ा लाइट लू मैं अगर बड़ा लाइट लू तो मेरा एपर्चर जा रहा है 8 11 पर, तो वो मुझे काम का नहीं है आज के तारीख में। सर एक बात किसी ने कही है, हाँ लातूर से हमारे दोस्त है अनिल जी, मैंने स्क्रीन हाँ पे वो शेयर किया है, लिखा है मराठी में, तो आप उसको एक्सप्लेन करके दिखाए वो क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा अभी। हाँ अभी आया सर, जी सर गुरुवर्य मिलिंद देशमुख सर, खूब छान माहिती लाइट या विचार मिळाली, खूप दिवस झाले तुमच्या वेबिनार ची वाट पाहत होतो, ते वाघेला सरांनी इच्छा पूर्ण केली त्याबद्दल दोन्ही गुरुवर्यांच्या। ठीक है सर, ये बोल रहा है कि आपके वर्कशॉप की या आपके वेबिनार की बहुत दिनों से राह देख रहे थे, बहुत ओके अच्छा हो गया कि वाघेला सर ने ये अरेंज किया, और इसलिए दोनों दोनों मेंटर के लिए थैंक्स बोल रहे सर। थैंक यू सर थैंक यू। वो तो हम लोग चाहते हैं कि सारे फोटोग्राफर्स को
हम लोग जो है उनका प्यार मिले और हमारा जो नॉलेज है उनको शेयर करें। अल्टीमेटली हमारा नॉलेज हमने कहाँ से लिया, लोगों से लिया, कहीं ना कहीं किसी से सीखा है, थोड़ा सा किसी गुरुवर के पास सीख लिया, कहीं कोर्स कर लिया छोटा मोटा, या किसी इंटरनेट से सीख लिया, तो वो जो है उसके साथ हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम खुद अपना एक अनुभव को शेयर करके लोगों तक पहुंचाते हैं, यही हमारा काम है। और मैं YouTube के माध्यम से यही चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा, मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे मेंटर्स को मैं यहाँ पे लेके आऊँ और आप उनका जो है बेनिफिट ले पाए। सर एक लता जी का एक यहाँ पे बात है, सर आपके सारे बैकग्राउंड कैनवास प्रिंट है, मे बी आपने स्पेशल बनाया है या शायद, प्लीज गाइड कीजिए, ये कैनवास प्रिंट है या सर क्या है? हाँ एक्चुअली जो बैकग्राउंड है, एक बैकग्राउंड तो मैंने रेडीमेड खरीदा था, जो फेयर में खरीदा था, वो भी कैनवास का है और हैंड प्रिंटेड है, कैनवास का है और हैंड प्रिंटेड है, और एक बैकग्राउंड जो है मैंने खुद उसको पेंट किया था। एक्चुअली कैनवास बाजार से वो बाजार से ये लाके, जो मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊंगा जो मैंने हाथ से बनाया एक्चुअली, ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है, ये पहले वाले जेंट्स को दिया है, ये ग्रीन बैकग्राउंड मैंने कैनवास खरीद के लाके पेंट करके बनाया है, एक्चुअली हाथों से बनाया है। वाओ ठीक है ठीक है। और उसके बाद में मेरा ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकड्रॉप, ये मैंने फेयर में खरीदा है और कैनवास का ही है, और ये एक्चुअली 10 फीट बाय 30 फीट का है, तो नीचे वो हाँ 30 फीट तक लंबा आता है कैनवास का। इसमें देखिए सर, एक क्रिएटिविटी ऐसा है कि इसमें जो कलर पैच दिख रहे, किसी ने बीच में जो किसी ने बीच में पूछा था कि आपने कलर जेल डाले क्या करके, तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सर तो ये जो ब्राउन कलर है ना, ये प्लेन ब्राउन कलर का बैकड्रॉप है, लेकिन इसमें जो कलर दिख रहे हैं ये हमने फोटोशॉप में क्रिएट किए सर। ओके हाँ, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हम फोटोशॉप में जाके ये सब काम कर सकते हैं। तो अभी क्या किया है इसमें, ये दोनों पोर्ट्रेट एक ही घर में लगाए थे, तो ये उसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी आ जाए, और सिमिलरिटी आने के बाद में भी ये जो लेडी की साड़ी है ये ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कलर दिखा रही थी, तो इसी कलर बैकग्राउंड में डाल दिया हमने, तो ये कलर का हार्मोनी क्रिएट होगा यहाँ पर। और दोनों फोटो आजू बाजू लगे तो ये दिखने के लिए अच्छा दिखने लगे। सही बात है, सही बात। मतलब कि अगर कई बार ऐसे कपड़े आ जाते हैं कस्टमर अगर पहन के, मतलब ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है या ब्राइट कलर है, तो हमें वो बैकग्राउंड से भी खेलना होता है। और जैसे आपने वो लड़की का फोटो दिखाया ही था, अगर व्हाइट में उसी लड़की को बैठा देते तो क्या होता है, और उसी लड़की को अगर रेड गारमेंट उन्होंने पहने, वो गुड़िया ने पहने थे और बैकग्राउंड आपने चेंज कर दिया था। यस, तो कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पोर्ट्रेट में। जी हाँ, एक्चुअली हम सर डायरेक्ट जो कस्टमर आता है ना सर, हेलो जी सर, डायरेक्ट जो कस्टमर आता है ना कि हम आ गए और हमारा पोर्ट्रेट निकालो, तो उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करते सर, जी उसको सर। थोड़ा सा हाँ, मैंने पहले बताया था यूसुफ कार सर के बारे में, यूसुफ कार सर एक महीना लेते थे जो मॉडल किया, जो फोटो निकालने जाना है तो उसके घर में जाके एक महीना रहते थे और उसका स्टडी करते थे ये मॉडल कैसा है करके, तो डायरेक्ट कस्टमर आता है तो उसको वैल्यू नहीं रहता है सर पोर्ट्रेट का, वो रेगुलर स्टूडियो के जैसा आता है और बोलता निकालो हमारा फोटो, तो उसको वही रहता है कि आएंगे खड़ा रहेंगे ये क्लिक करेंगे अपन चले जाएंगे, तो उसको वहां एंटरटेन नहीं करते, उसको बोलते ठीक है आप सीरियसली पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो आप एक 4 दिन के बाद में सीरियसली फोटो के लिए आओ, और आते टाइम आप ऐसा कॉस्ट्यूम पहनो, आप बहुत ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है, मेकअप मैन की जरूरत नहीं है अपने फोटोग्राफी में, हमें ओरिजिनल दिखाना है, कुछ डुप्लीकेट नहीं दिखाना है, तो उसका ओरिजिनल चेहरा ही जैसा है वैसा दिखाना है, लेकिन उसमें भी ब्यूटी आना चाहिए, लेकिन उसको कॉस्ट्यूम गाइड करते और ऐसे कपड़े पहन के आने के बाद आपके अच्छे फोटो निकालते, तो उससे थोड़ा सा टाइम लेते उसका, तो वो फोटो के लिए सीरियस होता है, जब वो सीरियस होता है तो फिर पैसा देके जाता है। सही बात है सर। ये कई लोगों को शायद पता नहीं होगा कि यूसुफ कार्स जो फोटोग्राफर है वो क्या है, तो मैं अगर आप चाहो तो मैं 1 मिनट के लिए उसकी एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। फोटोग्राफर है वर्ल्ड का बहुत ही फेमस पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है, और ये करीबन करीबन सरल भाषा में बताओ तो आजादी का पहले का फोटोग्राफर है, 1920-30 के आसपास ये वर्ल्ड का सबसे टॉप फोटोग्राफर माना जाता था। और वो क्या करता था उस जमाने में, जो भी समझ लो जो राजनेता थे पूरे वर्ल्ड के, उनके फोटोग्राफी करता था। तो जैसे मिलिंद सर ने बताया कि उस बंदे को स्टडी करता है 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, उसके बाद शॉट बनाने जाता है। और ये फोटो जर्नलिस्ट था एक किसी अमेरिकन एक्सप्रेस या किसी न्यूज पेपर में, मैं भूल गया उस प्रेस का नाम, तो उसको एक असाइनमेंट दिया गया कि तुम उस समय ये सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ
उस प्रेस ने उसको बोला कि जाओ तुम चर्चिल का फोटो लेके आओ। अब चर्चिल बोले तो बहुत ही मतलब ज्यादातर लोगों को दिखाना था उस जमाने में, फोटो इतने इजीली दिखते नहीं थे, ये 70-80-100 साल पुरानी बात है। इस समय प्रिंट मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, तो सिर्फ एक आधा फोटो मिल जाता था। तो जो कैंडिड फोटोग्राफर्स है, वेडिंग कैंडिड फोटोग्राफर्स है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी है। तो यूसुफ को वहां पे चर्चिल के पास भेजा गया कि जाओ फोटोग्राफी करने जाओ। तो चर्चिल जी के वहां वो गए और उनके ऑफिस पे गए। अब तो ये तो बंदा तो था, वो जो था ये तो युद्ध वाला बंदा है, युद्ध करने में मानता है, देश मतलब देशभक्ति ये सब उसके दिमाग में चलता है, प्रेस फोटोग्राफर ये सब क्या, तो उसको मतलब उसके लिए उसको टाइम नहीं है, उसके दिमाग में जुनून चढ़ा हुआ है कि मेरे देश को मुझे आगे आगे जिताना है। ठीक है, बहुत गुस्से वाला आदमी है, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, पूरी दुनिया उससे डरती है कि बहुत खतरनाक आदमी है। अब यूसुफ के दिमाग में था कि मुझे बंदे को जबरदस्त दिखाना है, कैसे दिखाएंगे। ये गया चर्चिल के ऑफिस में, उसने एप्लीकेशन दिया कि मैं ऐसा फोटोग्राफ लेने आया हूँ। तो उसने चर्चिल ने मना कर दिया, बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं, जाओ वापस जाओ। तो वो बंदे ने क्या किया, यूसुफ ने वहीं पे गेट पे बैठा रहा, हर दिन सुबह आता था, हर दिन एप्लीकेशन देता था और बैठा रहता था वहां पे, कैमरा वैमरा लेके रेडी रहता था, लेकिन उसको उसको परमिशन नहीं मिलता था। कुछ 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद चर्चिल के पास थोड़ा सा वक्त था, तो उसने बोला यार वो जो फोटोग्राफर हर दिन आता है ना, उसको बोला फोटो निकालने के लिए। अब जो सिचुएशन ऐसा था कि यूसुफ का जो बैठने का जो जगह थी, वहां से चर्चिल का कमरा दूसरे मतलब दूसरे ही कमरा था, अगर ये जोर से कुछ भी बोलेगा तो चर्चिल को सुनाई देगा। चर्चिल ने उसको उसके असिस्टेंट को बोला कि जाओ फोटोग्राफर को बुला के आओ। तो उस फोटोग्राफर ने किया, सर सुनने वाली बात है, उसने बोल दिया चर्चिल को, बोलो कि फोटो क्लिक करना है तो बाहर आ जाए। मतलब दो सोचो, जो दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है, जिससे पूरी दुनिया डर रही है, उसको इसने क्या बोल दिया कमरे के बाहर खड़े होते कि अगर चर्चिल को फोटो क्लिक करवाना है तो बाहर आ जाए। अब चर्चिल ने ये सुन के वो धुआं पुआ हो गया, मतलब इतना उसका वो जो एटीट्यूड था, वो हमेशा गुस्से में रहता था। वो बाहर आता है और उसके देखता है, वो बोलता है कहाँ है वो फोटोग्राफर। तो उस नजर से वो जब देखता है और उस समय वो क्लिक करता है, तो वो जो उस बंदे की आइडेंटिटी है, उसकी लाल आंखें, उसका जो गुस्सा, उसकी नजरें, और वो जो शॉट बनता है, वो बनता है कैंडिड शॉट। तो बहुत सारे फोटोग्राफर को ये सब चीजों के बारे में शायद नहीं पता होता, तो ये स्टोरी में शेयर किया, शायद आपको भी ये पता होगा। दिस इज द रियल कैंडिड शॉट, दिस इज द रियल कैंडिड शॉट। तो एक्चुअली वो एक्चुअली इतने एक्चुअली यूसुफ कार साहब ने इतने दिन वही स्टडी किया था कि ये कहाँ अच्छे दिखते हैं। तो मैं पहले ही बताया था कि कोई गुस्से में अच्छा दिखता है, कोई एटीट्यूड में अच्छा दिखता है, कोई स्माइल में अच्छा दिखता है, और कोई बहुत खिलखिला के हंसता जब अच्छा दिखता है। तो उन्होंने उनका स्टडी किया था, तो ये तो पूरा दिन गुस्से में रहते, तो उनका तो कैरेक्टर इनके गुस्से में ही है, तो वो कैरेक्टर उन्होंने खींच के लाया था। जी जी जी, तो एक्चुअली देखो कितना खतरनाक आदमी है, वो हमेशा गुस्से में रहता है, वो क्या है। तो दिस इज अ रियल कैंडिड शॉट्स, सही बात है सर। एक्चुअली सर कैरेक्टर के बारे में अपन जो बात कर रहे थे जी, तो ये मेरा स्लाइड दिख रहा है सर, अभी एक स्लाइड है, सॉरी। ये देखिए सर, ये पिक्चर दिख रहा है, ये भी एक स्टोरी है सर, एक छोटी सी। अपने पास टाइम है ना सर बात करने के लिए? हाँ सर, प्लीज प्लीज, यू कैन यू कैन। तो ये पिक्चर है सर, अभी ये पिक्चर देखा है, तो इसके स्टोरी ऐसा है सर, ये है 40 गांव से पिक्चर है, 40 गांव के केकी मूस करके बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जो 40 साल अपने घर से बाहर नहीं निकले। ओके। और ये इतने बड़े आर्टिस्ट थे, मतलब इनका नाम भी इतना था, तो नेहरू जी इनके घर पे मिलने को आते थे। हाँ, तो ये बहुत बार नेहरू जी आने के बाद नेहरू जी ने उनको बोला कि आप एक आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट भी थे, कल्चर आर्टिस्ट थे, पेंटिंग आर्टिस्ट थे और फोटोग्राफर भी थे। तो नेहरू जी ने इतने बोला उनको कि मैं इतने बार आपके घर पे आया हूँ, तो आपने मेरा एक भी बार कोई पोर्ट्रेट या पिक्चर नहीं बनाया, तो एक मेरा एक आधा फोटो निकालो। तो वो टाइम रोल चलते थे, निगेटिव रोल चलते थे, तो 40 गांव में तो रोल मिलते नहीं थे और उनके कैमरे में रोल नहीं था, तो रोल आना पड़ता था बॉम्बे से। तो बोले आज तो मेरे पास रोल नहीं है, आपका तो पिक्चर बनाना चाहिए, एक काम करो, बोले आप जो दौरा है मतलब जो टूर है आपका, वो टूर करके दिल्ली पहुंचो, दिल्ली पहुंचो, जब तक मैं आपका फोटो पोर्ट्रेट वहां भेज दूंगा करके। अच्छा, तो ठीक है बोले। तो ये भी सोच में रहेगी कि मैं यहाँ पर नहीं तो ये मेरा फोटोग्राफ कैसा भेजेंगे। ओके। तो मैं अगर सामने बैठा ही नहीं तो मेरा फोटोग्राफ कैसा भेजेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये पिक्चर जो सामने दिख रहा है आपको, ये पूरे नेहरू जी के कैरेक्टर उसमें डाल दिया था। तो देखो इसमें है कि नेहरू जी
गौतम बुद्ध को फॉलो करते थे, तो उनका एक मूर्ति रखा है। हाँ, बाद में ये नगर के जेल में नेहरू जी ने ग्रंथ लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया मर्कल से, तो वो ग्रंथ लिखा है। नेहरू जी हरदम अपने कोट के ऊपर गुलाब का फूल लगाते थे, वो फूल रखा है वहां पर। उसके बाद में जो पृथ्वी का ये है स्टैचू है पृथ्वी का, उसके ऊपर उन्होंने कैप रखा है और उसको लाइटिंग करके उसका एक पिक्चर निकाल के उनको भेजा है। तो ये पूरे नेहरू जी के कैरेक्टर लेके नेहरू जी को बनाया था। तो ये नेहरू जी को भेजने के बाद में नेहरू जी ने उसके ऊपर कमेंट लिखा था सर कि मेरा मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट ये है करके। इसका ओरिजिनल कॉपी, इसका ओरिजिनल कॉपी 40 गांव में नेहरू जी के सिग्नेचर के साथ पड़ा है। क्या बात है, क्या बात। हाँ, है। तो ये उनका कैरेक्टर, आप लोग कैरेक्टर को पढ़ना सीखेंगे तो वो कैरेक्टर आप उसके चीजों में से भी ला सकते हैं। तो फिर सामने आदमी बैठने के बाद तो कैरेक्टर आना ही चाहिए ना सर। सही तो, बात है। हाँ, तो ये इसी 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 फंडे को लेके मैंने ये ट्राई किया सर। आपको देखो कैसा लग रहा है, किसका पिक्चर है सर, सॉरी। मैंने ये ट्राई किया था। वाओ, मदर टेरेसा। तो यहाँ मदर टेरेसा नहीं है, फिर भी आप उसको मेरे मैंने जो कैरेक्टर पकड़ के पिक्चर बनाया तो आप उसको पहचान सक रहे। सही बात है, कैरेक्टर को क्रिएट किया है पूरा। वाओ, तो इसमें मदर टेरेसा को ज्यादा स्क्रीन अच्छा होगा तो दिखेगा कि वो साड़ी के अंदर जो एक लकड़ी रखा है तो उसके ऊपर बहुत रिंकल्स है, ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उनके फेस के ऊपर इतने रिंकल्स आए थे बाद में। सही बात, और सही वो बात। साड़ी के उसके स्ट्रिप से, उसके बाद में क्रॉस उनके हाथ में रहता था और एक गुलाब का फूल इसलिए कि वो प्रेम के ऊपर ज्यादा, सद्भावना प्रेम के ऊपर ज्यादा काम करते थे, सेवा करते जी, थे। जी, जी, जी। तो मैंने ये ट्राई किया था सर। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये पिक्चर को जो भी आदमी पहचान सकता कि ये मदर टेरेसा है, अगर किसी ने पहचाना तो मैं अपने काम में सक्सेस हो गया सर। सही बात है, सही है, बहुत सही है, बहुत अमेजिंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। आज हमारी जो बात हुई है कुछ अलग अलग टॉपिक्स को लेके, लाइटिंग को लेके, और ये सब चीजें होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, फोटोग्राफी के आर्ट के फॉर्म में, अपने थॉट्स के फॉर्म में। जैसे आपने मदर टेरेसा का जो एक इमेज क्रिएट किया है, भले ही आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन आपने उसको वर्चुअली क्रिएट करके दिखाया कि देखो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक आर्टिस्ट ही सोच सकता है इस सब चीजों को। बहुत शानदार, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों आज हम लोग, आज दो घंटे से भी ज्यादा हमारा सेशन हो रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर, आपने हमें इतना सारा वक्त दिया और अपनी पूरी जो दिमाग को खोल के सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपने परोसा और मेरे फोटोग्राफर दोस्तों को दिखाया। दोस्तों आप भी सबको थैंक यू बोलेंगे, लव का सिंबल देंगे, हार्ट का सिंबल देंगे, ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे हमेशा। यस सर, सर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपका थैंक यू बोलना चाहूंगा। और सबसे बात, आपने बोला कि सब खोल के दे दिया, तो मेरा ऐसा है सर, जब देना है तो पूरा देना है, नहीं तो देना ही नहीं है, नहीं तो नहीं देना। आधी कच्ची रोटी नहीं खिलानी, खिलानी तो पका के खिलाओ, नहीं तो मत खिलाओ, नहीं तो मतलब कच्चा खिला के मतलब नहीं बन रहा है। कच्चा खिला के मतलब नहीं है। जो मैंने जो वेबिनार किया है, यहाँ से किया सर, यहाँ से किया, यहाँ से नहीं किया, यहाँ से करता तो कमर्शियल करता था सर। वो दिखता है सर, वो दिखता है, दिल से आदमी जब देता है तो दिखता है सर। हाँ, वो कोई सवाल ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। क्या हम अभी आप अपने तरफ से लीव कैसा बंद करना है तो आप कर सकते हैं, लीव कर सकते मैं यहीं से करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।